चलिए थोड़ा आप लोग शांति बनाइए बाबू तो आज हम विश्व का भूगोल से शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार दरोगा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का भूगोल से तो इसका जो पीडीएफ है आपको सबको मिल जाएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन ग्रुप उस पर भी इसको भेज दिया जाएगा और बढ़ा दे साउंड तो शांत आप लोग रहिएगा तब आवाज जाएगा देखिए साउंड बाबू थोड़ा सा हेलो हेलो ठीक है चलिए सुनिए तो पहले हम देखें क्या दस मिनट के अंदर में बिहार दुर्गा में क्या क्वेश्चन पूछा गया खाली हम टॉपिक बता देंगे बाकी क्वेश्चन जिसे जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसका क्वेश्चन बताते चलेंगे तो देखिए बुक ले लीजिएगा इस बुक में सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ठीक ना यहाँ पर देखिए क्या है क्या क्या टॉपिक है एक तो क्या है कि विश्व के महाद्वीप से विश्व के महाद्वीप से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन कितना पूछा गया है ग्यारह जैसे है ना एशिया अफ्रीका ये सब है ना उससे कितना पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है फिर बात करते हैं विश्व का मरुस्थल तो विश्व के मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा मरुस्थल कहा है जैसे थार रेगिस्तान कहाँ है सब पूछता है ना कौन सा रगिस्तान कहाँ वहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया है और यहाँ पे इसे क्या है अभी तक एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में लेकिन टॉपिक महत्वपूर्ण है अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया घास मैदान घास मैदान है, है? कैंटवेरी कहाँ का मैदान है? है ना लानोज का है तो घास के मैदान से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है और घास के मैदान से क्वेश्चन आपका लोठो पूछा गया है इसके बाद बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र से बहने वाली हवाएं और उसका स्थानीय नाम जैसे भारत में लू बहता है ना गर्मी के दिन में ऐसी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हवा बहता है और उसका अलग अलग नाम है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक ना में क्या हवा बहता है मिस्र में क्या हवा बहता है इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है खमसीन के बारे में पूछा गया है आगे चलिए फिर क्या है कि भूगोल में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा देखिए इसको अलग अलग जगह रखा जा सकता है लेकिन हम बड़ा छोटा क्या जगह रख दिए हैं यहाँ की सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला शहर क्या है सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल किसका है देश का सबसे छोटा देश कौन है है ना इस तरह से है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो वहां पर रख दिया गया है फिर क्या है विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा पर्वत श्रृंखला कहां पर है जैसे हिमालय की बात करते हैं तो भारत में पढ़ेंगे तो हिमालय के बारे में तो हम डिटेल से ही पढ़ेंगे लेकिन इसके अलावा और भी होता है अलग अलग पर्वत श्रृंखला माउंट एलब्रूस कहाँ है माउंट कोटवा पैक्सी कहाँ है ये सब आप क्वेश्चन पूछेगी राल पर्वत कहाँ है एंडिज पर्वत श्रृंखला कहाँ है ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पूछा गया है जगरोस पर्वत से पूछा गया है और एक नेपाल वाला से पूछा गया है फिर क्या है विश्व का प्रमुख नदी बांध एवं जल परियोजना सबसे पहले तो क्या है कि विश्व के प्रमुख नदी विश्व के प्रमुख नदी अच्छा ये सब जितना टॉपिक बता रहा है ना भारत को भी साथ साथ आप सोचते चलिएगा कि भारत में भी नदी होता है विश्व भी नदी भारत की नदी पढ़ना है विश्व की नदी पढ़ना है भारत के नदी बांध पढ़ना है विश्व का नदी बांध पढ़ना है ठीक है ना तो ये क्या कि भारत के और विश्व के प्रमुख नदी बांध और जल परियोजना के बारे में आपको पढ़ना है जैसे यहाँ पर अरुण के बारे में पूछा गया है हम्म फिर एक बांध के बारे में पूछा गया है अगला बात करते विश्व के प्रमुख जल प्रपात पानी ऊपर से गिरता है ना सिनेमा में देखते होंगे कि पानी ऊपर से गिर रहा है वहां हीरोइन नहा रहा है डाकू छेड़ता है तो हीरो का एंट्री होता है है ना हो गया आता है जल प्रपात वाटरफॉल बोलते हैं तो विश्व का प्रमुख वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछा गया पे भी नोटिस की जाएगा देखिए न्यागरा फॉल्स पूछा गया ना ये न्यागरा फॉल्स फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन तो विश्व का प्रमुख जल प्रपात हमारा क्या हो गया टॉपिक हो गया पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं ना है जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना वहां पर डिस्कस करेंगे अभी हम खाली आपको टॉपिक बता देते हैं जो आपको पूछा गया है फिर विश्व के प्रमुख नहर से क्वेश्चन पूछा गया है स्वेज नहर की बात करते हैं किल नहर के आपने नाम सुना होगा पनामा नहर की बात सुना होगा और कोई फिलहाल अगर कोई और करेंट अफेयर में नहर आ जाएगा तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो नहर पढ़ेंगे प्लस विश्व का प्रमुख जल संधि जैसे आप पढ़ोंगे डोबर जल संधि के नाम सुना होगा कुक जल संधि के नाम सुना होगा मलक्का जल संधि का नाम सुना होगा तो विश्व के अलग अलग जल संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक आपका विश्व के प्रमुख नहर से और विश्व के प्रमुख जल संधि से जल संधि और नहर में देखना है कि इसका विशेषता क्या है प्लस किसको किसको जोड़ता है फिर क्या है विश्व के प्रमुख खाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा खाड़ी कहाँ है कौन सबसे बड़ा खाड़ी है कौन सबसे छोटा खाड़ी है इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है फिर विश्व के प्रमुख फसल से क्वेश्चन पूछा गया है के विश्व के प्रमुख फसल तो विश्व सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है विश्व का सबसे ज्यादा खाने वाला फसल क्या है भारत का सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन है और कौन से फसल के उत्पादन में कौन सा सबसे आगे है कौन से फसल के उत्पादन में कौन सा सबसे आगे है चलिए फिर रेशम के बारे में पूछा गया है फिर पूछा गया स्टेपी क्षेत्र में कौन सा फसल होता है अगला है विश्व का प्रमुख खनिज संसाधन तो जैसे हम पढ़े क्या न? कि विश्व के प्रमुख फसल के उत्पादन में कौन देश आगे है उसी तरह से विश्व के प्रमुख जो आपका खनिज होता है उसके उत्पादन में कौन आगे है जैसे यूरेनियम के उत्पादन में कौन आगे है सोना के उत्पादन में कौन आगे है कोयला के उत्पादन में कौन आगे है अलग अलग जो खनिज होता है उसके उत्पादन में कौन आगे है वो हमारा टॉपिक है जैसे यहां देखिए चुकी चुकी कमाता खान पूछा गया क्वेश्चन फिर क्या है स्थल मंडल क्या स्थल मंडल देखिए जो हम आपको महाद्वीप पढ़ा रहे हैं ना तो महाद्वीप कहां आता है मंडल में जब महासागर वगैरह पढ़ाएंगे तो कहाँ आएगा जल मंडल में आ जाएगा स्थल मंडल का ही पार्ट है और यहां पर क्या ना कि पृथ्वी का बोल सकते हैं बनावट जैसे होता है पृथ्वी का क्या होता है पृथ्वी जो बना है उसमें कई लेयर है कई क्या है लेयर है तो अलग अलग लेयर का क्या विशेषता होता है इसको बोलते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या बोलते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से मुकोशन आ रहा है फिर विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है धरती के अंदर से क्या होता है कि लावा वगैरह धरती के अंदर से मैग्मा निकलता है और बाहर आके जम जाता है उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होता है ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछेगा ज्वालामुखी पढ़िएगा तो ज्वालामुखी के बाद ही बनता है चट्टान क्या बनता है चट्टान चट्टान में क्या होता है तीन तरह के चट्टान पाए जाता है पढ़ोगे फिर कौन सा चट्टान में आपको पेट्रोलियम कोयला पाया जाता है क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है एक तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे और ज्वालामुखी के बाद क्या पढ़ेंगे चट्टान चट्टान पढ़ेंगे वही है है कि विश्व के विभिन्न इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया अच्छा चट्टान में भी पूछता है रूपांतरित चट्टान जिससे कहने का मतलब क्या है कौन सा चट्टान अपना रूप बदलेगा तो किस में जाएगा ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा फिर क्या है आपको मिट्टी का विभिन्न प्रकार जैसे भारत में भी मिट्टी पाया जाता है विश्व के अलग अलग भाग में मिट्टी पाया जाता है मिट्टी का प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया है फिर क्या है कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति खास करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुआ आप एक पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी पढ़े होंगे है ना तो वहां पर इसके बारे में बताया जाएगा ब्रह्मांड और इसके उत्पत्ति के बारे में और जानते हैं इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बाद क्या सौर तो सौर देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया देखिए सौर मंडल क्या सूर्य और ग्रह के साथ सारे चीज का स्टडी करते हैं सौर मंडल में क्या सूर्य और ग्रह का स्टडी करते हैं अलग अलग ग्रह के बारे में सुनोगे तो अलग अलग ग्रह के विशेषता सबका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया ठीक ना अब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख क्षेत्र की जलवायु जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत की जलवायु क्या है मानसूनी है तो अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के जलवायु है और जलवायु की विशेषता क्या है जैसे मानसून प्रकार का जलवायु रहेगा तो उसका अलग विशेषता होता है अगर आपका भूमत सागरीय जलवायु रहेगा तो उसका अलग विशेषता होगा। यही यहाँ पढ़ना है कि विश्व के प्रमुख क्षेत्र की जलवायु के बारे में हाँ फिर क्या है पृथ्वी की गतियां जैसे आप पढ़ते हैं कि दिन रात किस गति के कारण होता है मौसम संबंधित परिवर्तन किस गति होता है पृथ्वी क्या है दो तरीके से गति कर रहा है तो से गति से गति आता। तो पृथ्वी के गति को हम पढ़ेंगे <hatsun> फिर क्या है ज्वार भाटा समुद्र का समुद्र में देखते हो पानी कभी पूरा ऊपर उठता है पानी कभी क्या होता है नीचे तो जाता है इस घटना का ज्वार भट्टा कहा जाता है आपका ज्वार भट्टा से भी क्वेश्चन आपको आ रहा है फिर क्या है चक्रवात और विभिन्न क्षेत्रों में उसके नाम सुनते हो ना आप न्यूज वगैरह पर में चक्रवात आ गया है तो समुद्री इलाका में क्या आता है चक्रवात आता है चक्रवात भारत में चक्रवात ही नाम है लेकिन विश्व के अलग अलग भागों में चक्रवात का अलग अलग नाम है तो क्वेश्चन विश्व के अलग अलग भाग में चक्रवात का नाम है? क्या है उसको बताइए साथ ही क्या है पूछेगा चक्रवात क्या होता है प्रति चक्रवात क्या होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर क्या होता है ये आपको क्वेश्चन पूछेगा मिलाने के लिए पूछा गया दोस्त फिर क्या है कि जल मंडल की बात करते हैं तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आपको पालर पानी क्या होता है ठीक ना तो यहाँ पर क्या है कि हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे ठीक ना महासागर का जल के बारे में विशेषता के बारे में पढ़ेंगे फिर क्या है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा जैसे जब आपको आज छांस और देशांतर दे पढ़ाया जाएगा ना तो अक्षांश का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के जलवायु जैव विविधता गर्मी ज्ञात करने के लिए जबकि देशांतर का इस्तेमाल करते हैं आपको समय ज्ञात करने के लिए और तिथि ज्ञात करने के लिए और यहां से कुछ न्यूमेरिकल भी बनता है आपको दे देगा कि भाई पचहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा इंग्लैंड में इतना समय हो रहा है तो यहाँ कितना समय होगा तो थोड़ा सा न्यूमरिकली न्यूमेरिकल वाला भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान होता है ज्यादा तब होता नहीं है आगे चलेगा फिर क्या है कि पृथ्वी के जो बाबू पृथ्वी पर क्या होता तो तो है इस तरह से रेखा होता है जिस तरह से रेखा होता है ऐसा ऐसा इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं तो कौन सा अक्षांश रेखा कौन कौन देश से गुजरता है अलग अलग अक्षांश रेखा का पहले अलग अलग नाम होता है जीरो डिग्री से जाएगा तो अलग होगा साढ़े अट्ठे से जाएगा तो अलग होगा साढ़े छियासठ जाएगा तो अलग होगा और नाइन्टी से जाएगा तो अलग होगा अब कौन कौन देश से गुजरता है क्वेश्चन पूछा गया देखिए यहां पूछा गया है एकमात्र एशियाई देश जहां से विश्व रेखा गुजरता है आपको क्वेश्चन पूछेगा फिर क्या है विश्व के जल राशि के साथ सीमा साझा करने वाले विभिन्न देश ये क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य महासागर से निम्नलिखित में से कौन सा देश का सीमा लगता है भूमध्य महासागर से फिर पूछेगा कोई सागर दे देगा अब बोले सागर किसके किसके बीच है कोई खाड़ी देगा बोले किसके किसके बीच है कोई कोई आपको वाटर बॉडी दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि उसके अगल बगल कौन है अगल बगल कौन है थोड़ा सा मैपिंग सेक्शन है हाँ बाबू कंप्लीट आपको होगा तो क्वेश्चन बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा फिर क्या दोस्त क्या आपको विश्व के प्रमुख जल धरा देखिए जैसे हवा होता है उस तरह से क्या होता है कि जल का जब विशाल राशि कोई एरिया में फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं जल धारा बोलते हैं तो जल धारा गर्म जल धारा होता है और ठंडा जल धारा पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कौन गर्म जलधारा है कौन ठंडा जलधारा है? गर्म जलधारा की विशेषता क्या है कौन सा इसको आप चाहे तो विविध में भी रख सकते हैं विविध में भी रख सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है में होते भी भी कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य है तो क्वेश्चन बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा फिर क्या है प्रमुख स्थानों के उपनाम प्रमुख स्थानों के उपनाम किसको उगते सूरज का देश बोलते हैं इसको लैंड ऑफ खंड बोलते हैं किसको बोलते हैं यूरोप का ग्राउंड बोलते हैं किसको बोलते हैं विश्व का शक्कर का कटोरा बोलते हैं तो मतलब क्या हो गया तो विश्व के प्रमुख जो स्थान है उसका उपनाम क्या होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर जानते हैं यहां पर क्या है कुछ स्थान है स्पेसिफिक जैसे आप सुनोगे होंगे बरमुडा ट्रिंगल का नाम सुनोगे वैसे कई सारा ट्रिंगल होता है बरमुडा ट्रिंगल होता है एक आपका होता है जगोटा ट्रिक होता है मतलब ये भी ट्रिंगल ही होता है आपने सुना होगा किसी के अलावा जैसे लाओस थाईलैंड और और एक और इसका ट्रिक होता था लम हम ह लाओस थाईलैंड और म्यांमार होता है ना कि क्या होता है भारत जो है ना भारत भारत का ईस्ट साइड में भी क्या होता है फीम का फिम भारत में मतलब तस्करी किया जाता है और यहाँ पर भी इस साइड से भी तस्करी किया जाता है ना यहां पर बाबू क्या होता है कि गोल्डन ट्रिंगल बनता है यहां पर बनता है गोल्डन ट्रिंगल यहाँ पर गोल्डन क्रेसेंट बनता है चार तरह के त्रिकोण आपको याद करना पड़ेगा एक तो आपको जगोटा त्रिकोण हो गया एक आपका हो गया बरमुडा ट्रिंगल हो गया एक आपका हो गया गोल्डन ट्रिंगल ट्रिंगलैया गोल्डन क्रेसेंट हो गया तो सबको चारों को एक ही जगह हम लोग पढ़ लेंगे फिर क्या है भौगोलिक परिभाषा से क्वेश्चन पूछता है कि जल मरुस्थल स्थल जल डमरू क्या बाबू क्वेश्चन हाँ मतलब अलग अलग कि भूसंधि किसे बोलते हैं प्रायद्वीप किसे बोलते हैं खाड़ी किसे बोलते हैं मतलब कि जो भौगोलिक सिंपल सी परिभाषा होता है ना उससे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया भौगोलिक परिभाषा से फिर क्या है विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जीव से क्वेश्चन पूछा गया तो जब महाद्वीप पढ़ाते चलेंगे ना तो वही बता दिया जाए एग्जाम्पल के लिए क्या है पूछेगा कीवी कीवी नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है ठीक है ना कंगारू नामक जानवर कहाँ पाया जाता है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो ये विश्व का जो आपको मैपिंग बताएंगे ना महाद्वीप बताएंगे तो वहीं पर इसको कवर कर लेंगे फिर कि विश्व के विभिन्न भाग का जो जीव है जो वनस्पति है पौधा है उसका नाम क्या है उसका उपयोग कहाँ होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछेगा कि जो बिल्लो जो बल्ला होता है क्रिकेट का जो बल्ला होता है कौन सा लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बल्ला है कौन सा लकड़ी से बनता है ठीक ना फिर पूछेगा कि आपका सैलवास नामक वन कहा पाया जाता है सेलवास नामक वन कहा पाया जाता है तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा और क्या विभिन्न रेखाओं के उपनाम विभिन्न रेखाओं के उपनाम मतलब ये हो गया जैसे अगर समान भूकंप को मिलाएंगे समान भूकंप वाली रेखा को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे समान वर्षा वाला स्थान को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे समान टेम्परेचर वाला स्थान को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे समान नमकीन मात्रा वाला स्थान को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे यहां से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न भौगोलिक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक जैसे क्या है कि बहुत पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी क्या है आपको स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है इसको बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत लेकिन अब माना जाता है कि नहीं आपका पृथ्वी चक्कर लगा रहा है और सूर्य क्या है स्थिर इस है इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है और अलग अलग जो थ्योरी होता है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कौन भूगोल में कई तरह के सिद्धांत है ब्रह्मांड का उत्पत्ति संबंधित ठीक ना तो वहां पर सारा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक ने दिया है जैसे साइंस पढ़ते हैं ना तो होता है ग्रेविटेशन का नियम कौन दिया है ऐसे तो यहां भी अलग अलग आपको पूछेगा ठीक है ना अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछा गया मैप प्रोजेक्शन से ये समान तौर पर एग्जामिनेशन में किसी से भी क्वेश्चन नहीं बना होगा क्योंकि मैप प्रोजेक्शन क्या है कि जनरली पढ़ाया ही नहीं जाता है ठीक ना लेकिन चूंकि मैप प्रोजेक्शन पूछ दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको बताएंगे समझा गया ना तो ये क्या था आपका टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है इतना ही से क्वेश्चन आएगा इसका जवाब है नहीं इसके अलावा और भी आपको पढ़ना पड़ेगा इतना टॉपिक को से क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन इसके अलावा और भी टॉपिक हमको कवर करना पड़ेगा देखिए भूगोल जब हम शुरू करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए जो हम विषय शुरू करने जा रहे हैं आज आपके पास क्या क्या होना चाहिए पहले तो क्या है कि आपका होना चाहिए क्वेश्चन पेपर सबसे पहला चीज क्या बाबू सबसे पहले क्या है कि आपको प्रश्न पत्र होना चाहिए पी वाई क्यूज पी वाई क्यूज होना चाहिए जो कि आपको पीडीएफ यहां से हम प्रोवाइड कर देंगे बाबू पीडीएफ नहीं बल्कि इसको निकलवा के कर प्रोवाइड करवा देंगे और बाकी जिनको अपने से लेना होगा तो द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर इसको हम शेयर कर देंगे कोई भी इसको ले सकता है ठीक है बाकी यहां से हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे एक ही होना चाहिए क्यों होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले तो क्या है कि हम क्वेश्चन देख लेंगे आपको भी देखना है और दूसरी बात क्या है कि जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो पता चलेगा कि भाई हम एग्जाम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे अगर क्वेश्चन बनते जाएगा तो आपके अंदर अपने आप विश्वास डेवलप होता जाएगा इसे बोलते हैं ना कि एग्जाम निकालने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आवश्यक है तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ये कहीं बिकता नहीं है कि लेकर के बाबू पी लीजिएगा आपका अंदर से आ जाएगा ये तैयारी करते चलेंगे और जैसे जैसे आपका तैयारी का लेवल बढ़ते जाएगा अपने आप आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ते जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है ठीक है ना जैसे हम लोग अब क्या है कि टेन प्लस टू में पढ़ते थे तो देखिए हम लोग शुरुआत से मैं बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए होंगे मैक्सिमम बच्चा बच्ची उस तरह से हम लोग से भी निकले हैं हम लोग भी निकले हैं कोई माहौल नहीं था पढ़ाई लिखाई का उस तरह से बाबू आ गए थे पटना पढ़ने के लिए है ना अब यहाँ पर क्या था कि बिना घुस के नौकरी होता नहीं है लेकिन क्या हुआ कि अगल बगल भैया के देख रहे हैं कि फलना भैया मिठाई बांट रहे हैं खाल चिल्ला भैया मिठाई बांट रहे हैं अब पहले अलग अलग बोर्ड का एग्जाम होता था जैसे आज एक कम्बाइन होता है ना पहले अलग अलग बोर्ड का इस सप्ताह में वहां एग्जाम है तो सप्ताह में वहां एग्जाम रिजल्ट लगातार आते रहता था ये सब देख के लगता था कि कर सकते हैं दूसरी बात क्या है कि हम लोग सीनियर वगैरह क्या है क्वेश्चन लेकर के आते थे बनाते थे तो हम लोग बेसिकली साइंस वगैरह पढ़ते थे ना तो उसको देखते थे क्वेश्चन तो बोलते भैया बना देंगे बना देता था बन जाता था तो इससे भी विश्वास हो गया कि ना भाई निकाल सकते हैं कुछ कुछ ऐसे नहीं सर लेकिन नौकरी होते हुए देख लिए लेकिन जब एक हो सकता तो हमारा कहा नहीं होगा है ना तो ये होना चाहिए इसके ऊपर पूरा पकड़ होना चाहिए सज क्या होना चाहिए कि आपके पास एक होना चाहिए एटलस क्या होना चाहिए एटलस होना चाहिए देखिये एटलस जब तक आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तब तक क्या क्या करेगा काम करेगा आप एटलस कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं लेकिन जनरली हम आप बोलते हैं कि एक पब्लिकेशन का सब कोई लीजिएगा ना तो हमको बताने में क्या होगा आसानी होगा तो हम जनरली बोलते हैं क्या ऑक्सफोर्ड का क्या वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का एटलस लीजिएगा बाकी जो भी आपके पास होगा ना सब अच्छा जैसे आप लोग शुरुआती में पढ़ रहे हो किसी के पास ओरिएंटल ब्लैक जोन का होगा या अलग अलग टीचर का भी आजकल मैप आता है किसी का एटलस होगा सबका अपने आप क्या है अच्छा है लेकिन एक एटलस आपके पास होना चाहिए ये एटलस होना चाहिए करना क्या है प्रत्येक दिन एटलस के पीछे क्या करना है पांच से दस मिनट समय देना है प्रत्येक दिन अगर प्रत्येक दिन पांच से दस पांच से दस मिनट समय दीजिएगा ना तो अपने आप क्या के पूरा का पूरा जो है मैपिंग सेक्शन दिमाग में चलाएगा अच्छा भूगोल का जो मैक्सिमम जो पढ़ाई होता है ये एटलस के माध्यम से ही होता है लेकिन फिर भी क्या है कि थ्योरी वगैरह लिखवा दिया जाता है जो कंस, कंसेप्ट होता है जो फैक्ट होता है लिखवा दिया जाता है लेकिन अगर नहीं भी लिखवाया जाए एटलस कंप्लीट है तो पूरा का पूरा हो जाएगा तो एटलस देखना कैसे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ठीक ना बाद में चला जाएगा रिकॉर्डेड दो जगह लाइव हो गया था एक ही जगह हो पाया तो देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें तो करना क्या है? कि आज एशिया देखेंगे तो कल अब फिर एक ही खिचड़ी हो जाएगा और खिचड़ी समान तौर पर अच्छा नहीं होता है तो आज एशिया देख रहे हैं तो कल अब फिर देख रहे हैं आज घास के मैदान देख रहे हैं कल कुछ और देखेंगे अलग अलग टॉपिक को क्या करेंगे देखेंगे डेली देखना है पांच से दस प्लेट हो जाएगा ठीक है चलिए तो ये सबके पास होना चाहिए अच्छा जो बाबू एटलस नहीं लेना चाहते हैं सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा आप फाइल सेक्शन में जाइएगा वहां पर क्या है एक्सपोर्ट का एटलस क्या है फोटो खींच के शेयर किया गया है तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन हम बोलेंगे सौ डेढ़ सौ दो सौ में मिलता होगा ये बहुत ही जरूरी है इसको ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है ठीक ना आई सिर्फ भूगोल में ही काम नहीं करेगा बल्कि इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां भी काम करेगा जैसे कोई भी लोकेशन बोलते हैं तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए हम कहा की बात कर रहे हैं अगर अलास्का हम बोल रहे हैं तो अलास्का दिखाई देना चाहिए अगर यूक्रेन बोल रहे हैं तो यूक्रेन दिखाई देना चाहिए दूसरा तीसरा चीज क्या होना चाहिए कि आपका क्लास नोट्स क्या वो क्लास नोट्स होना चाहिए क्लास नोट्स क्या है कि आपको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा क्लास नोट्स आप लोग ऑफिस से ले लीजिएगा क्योंकि तो देखिए जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना वो पढ़ के घर से आइएगा तो रिवीजन हो पाएगा जैसे मान लीजिए हम पढ़ा दिए और घर पर जाकर पढ़वे नहीं किए तो यहां भले आपको लग सकता है कि पूरा के पूरा हमको समझ में आ गया लेकिन जब रिविजन नहीं कीजिएगा तो काम नहीं होगा देखिए होता क्या हम जितना भी पढ़ाएंगे अगर हम आपको सौ बात बताएंगे दोस्तों ना मान के चलिए कि सौ का सौ समझ में नहीं आ रहा है अगर सौ का सौ बात समझ में आ रहा है तो इलाज करवा लीजिए क्योंकि तो आपको पगलाई देरी नहीं लगेगा सही बता रहे हैं है ना सौ के सौ बात समझ में नहीं आएगा सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सौ में सौ समझ में आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है रियल में दिक्कत वाली बात है चलिए अच्छा मान लीजिए सौ बात पढ़ाए अस्सी परसेंट बात आपको समझ में आ गया

जब हम भूगोल खत्म करेंगे जितना भी दिन समय लेगा आपको कम से कम क्या है बीसतीस वर्ष को पढ़ जाना है बीसतीस बार जैसे पढ़ा रहे हैं पीछे वाला एक बार रिविजन कर देिए अच्छा हम पढ़ाएंगे कैसे समझा देते हैं पहले तो हम लिख के आपको पढ़ा देंगे जो पढ़ाना है और साथ ही हम आपका नोट्स भी पढ़ देंगे ताकि बहाना मत कीजिए कि नोट्स वहा लिखल का समझ में नहीं आ रहा है ऐसे होता है कि टिपोवा नहीं समझ में आ रहा तो लिखल का समझ में नहीं आ रहा तो हम पढ़ भी देंगे अगर आगे क्या करेंगे समझा देंगे समझाने के बाद क्या करेंगे आपका नोट्स भी हम क्या करेंगे पढ़ देंगे हमें पढ़ने में पांच मिनट लगेगा ज्यादा थोड़ी ना लगेगा चलिए इतना हो गया अब कितने के दिमाग में आ रहा करोनवा कि पढ़ें ना पढ़ेंगे दिमाग में आ रहा होगा ना कि करोनवा तो भाई तोन के मेन चीज है पढ़े ना पढ़ेंगे तो सुनिएगा आप नो पढ़िएगा ना इसमें सब क्या रहेगा कॉवर है? है लेकिन संतुष्टि के लिए ले लीजिएगा कोई एगो कौन चाहे लुसेंट चाहे कराउन दोनों मत लीजिएगा कोई एगो ले लीजिएगा और उसको पढ़ना कैसे है दो ऐसे नहीं पढ़ना है जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना जैसे मान ली कि आपको हम पढ़ाए जल संधि आपको जल संधि क्या करना उसमें जाकर के देख लेना है ठीक है ना उसे कवर भी हो जाएगा प्लस ना फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब डर है कि ऐसे नहीं गड़वा दे नहीं पढ़ रहे हैं फिर गड़वाएगा नहीं वह काम आपका हो जाएगा ठीक है फिर अगला चीज क्या है ये सब हो जाएगा फिर क्या है ये बिहार दरोगा या पहले क्या जो भी चैप्टर क्या पढ़ेंगे जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे इस चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक रखिएगा हम सजेस्ट करेंगे घटना चक्र रखिएगा पूर्वालोकन का तो ज्यादा बेहतर होगा से भी काम चल जाता है लेकिन हम ही बोलेंगे कि भविष्य में जिस तरह से एग्जाम को बदलते हुए हम देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम दरोगा में भी सरप्राइज मिल सकता है तो पहले ही से अपना लेवल बढ़ा के रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है घटना चक्र बहुत सारा बुक आता है घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज पूर्वालोकन आता है हिस्ट्री का भूगोल का इकोनॉमिक्स का चाहे उसमें देखिए जो बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना उसको छोड़ दीजिएगा वो काम का नहीं है जो मैंने कहने का बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है दिमाग का दही हो जा रहा क्वेश्चन बनाने का सबका नहीं है लेकिन जो आसान टाइप का क्वेश्चन है ना वो सब का कीजिएगा बनाइएगा ठीक है अच्छा तो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज अगर उससे अभी टफ लेगा तो लुसेंट या क्राउन का कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होगा उससे ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा ठीक है ना अच्छा हम ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे पहले वाला जो बैच पढ़ाते रहे वो पढ़ाते चढ़ रहे थे लेकिन दिक्कत क्या है कि समय हमारे पास क्या है अभी कमी है तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने का और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम खुद क्या कराएंगे दस हजार के आसपास क्या वह दस हजार प्लस दस हजार से ज्यादा ही हो जाएगा इसके आसपास क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जैसे पॉलिटी में ही पिछला बैच में हम करवाए थे तो लगभग सत्रह सौ के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग लगभग हो गया होगा जबकि दो तीन चैप्टर उसमें क्या है तीन चैप्टर आपकी बचा हुआ है फिर भी इतना के आसपास हो गया है तो मान के चलिए कि दस हजार के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा और हम इसलिए करवाएंगे क्योंकि हम देखिए आप लोग को बोलेंगे ना तो खाली आसान वाला बना के छोड़ दीजिएगा बने वे नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे सारा का सारा इसमें कवर आपको कर लेंगे क्लियर है आगे चलेगा अभी क्या है कि हमको चैप्टर वाइज क्या करना है चलना है साथ ही क्या है कि यहाँ हम जो बिहार दरोगा का बुक लिखे हैं ये बुक सब कोई रखिएगा इसको पढ़ने का तरीका बताते हैं जैसे कुछ बच्चा मान ले कि हमारे वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर भी जाएगा तो अगर कुछ बच्चा जो है मान लेते हैं कि हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको ये बुक से बिहार दुरा पीवाई की बुक से कैसे हेल्प लेना है देखिए जो भी सर के आपके पास मटेरियल होगा मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का कीजिए एक बार पढ़ लीजिए अब पढ़ने के बाद क्या कि हमारा बिहार का जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्या कीजिए उसको देखना शुरू कीजिए ऐसे क्या है कि अगर भूगोल भूगोल देख रहे हैं विश्व का भूगोल तो विश्व का भूगोल जो भी सर का नोट्स है उसको पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद क्या कीजिए कि हमारा जो बुक है बिहार दुर्गा वाला उसको उसको लीजिए और पढ़िए आपको जल्दी क्या हो हो जाएगा जाएगा रिविजन एक जगह से आपको दिया गया है चलिए ये हो गया तो क्या क्या बोले एक पी वाई क्यूज का आपको ई वाला होना चाहिए फिर अगला एटलस होना चाहिए क्लास नोट्स होना चाहिए और फिर क्या बोले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करना है शुरुआती में ही करना है जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर जाना है फुलेंथ टेस्ट पर जाना है फुलेंथ टेस्ट पर जाना है अच्छा अभी जिसका भी तैयारी फिफ्टी परसेंट के आसपास अगर होल होगा तो उनको हम बोलेंगे कि शाम के शाम बिहार पुलिस का हम सीरीज चला रहे हैं आपको चार बजे से तो उसको आप लोग दीजिएगा बहुत बेनिफिट करेगा और जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं होगा तो उनको देने की आवश्यकता नहीं है मतलब बिल्कुल शुरूए कर रहे हैं तो उनको देने से कुछ फायदा होगा कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन जिनका भी फिफ्टी के आसपास तैयारी हो गया है दीजिएगा उसका अलग से आप लोग को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं खाली फोटो को का चार्ज आपको लेगा ठीक है इतना समझ में आ गया चलिए तो अब हम क्या करेंगे शुरुआत करेंगे अपना आज का चैप्टर ठीक है ना यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है मोटा मोटी समझ में आ गया पढ़ना है ना ठीक है चलिए आज का हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैपिंग सेक्शन शुरू करेंगे विश्व का महाद्वीप से विश्व का महाद्वीप तो महाद्वीप बताने से पहले हम क्या क्या आपको बताएंगे सबसे पहले बताएंगे आपको कि मानचित्र क्या होता है अक्षांश क्या होता है देशांतर क्या होता है देखिए जोग्रफी भूगोल का शुरुआत हम यहीं से करेंगे आज जब पूरा भूगोल चैप्टर समाप्त होगा तो फिर यहीं पर आएंगे अभी देखिए आपको हम इसकी में डीप में जाकर नहीं बताएंगे तो, डीप में जाएंगे तभी समझ तो फिर आपको क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं यहाँ पर क्या आज अच्छा और देशांतर देखेंगे लेकिन उसके पहले क्या है कि जो इस टॉपिक से जो आज पढ़ाने वाले हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है फिर से बाबू यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक आज का नाम क्या है विश्व के महाद्वीप आप लोग यही करना जो भी हमारा चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का क्या है एक बार हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है क्या क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है तो मतलब कि महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सात गो जो महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसका है सबसे कम जनसंख्या किसका है सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है मतलब एक जनसंख्या पर फोकस करेंगे एक क्षेत्र पर फोकस करेंगे सबसे अधिक इसका है और सबसे कम किसका है इस पर हमको फोकस करना है अगला क्या है कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है मतलब कि यहां देखेंगे कुछ कुछ ऐसा देश है जो क्या है कि एशिया यूरोप के क्या है जक्शन पर है जैसे होता है ना जी कि कोई लेकिन क्या होता है कि ये आपका क्या हो गया पटना हो गया रुकिए थोड़ा सा नहीं होता कि पटना हो गया पहने से क्या हो गया आपका ऐसा करते हैं मान लेते क्या बाबू पटना हो गया नहीं क्या हो गया जहानाबाद हो गया तो कुछ कुछ बच्चा का क्या होता है एजा होता है नहीं रहता है पटना में लेटरिंग करने जाता है जहानाबाद में ऐसा होता है ना मतलब एकदम बाउंड्री पर है मतलब पटना जहानाबाद घूमते रहता है ऐसे तो यहां पर क्या है कुछ ऐसा देश है जो बाबू क्या है कि हाई एशिया में लेकिन यूरोप में भी पड़ता है एशिया में सदस्यता ले है यूरोप के कोई संख्या सदस्यता ले लो तो यहाँ क्या करेंगे समझेंगे मतलब मानचित्र के माध्यम से समझेंगे यहाँ बोल सकते हैं एशिया में कितने देश है एशिया में कितने देश है पर मतलब यह हो गया विश्व तो में सात महाद्वीप है सात महाद्वीप या सात महादेश है कौन सा महादेश में देश की संख्या कितना कितना है और खास करके आपको एशिया पर और आपको अफ्रीका पर क्या करना है फोकस करना है एशिया अफ्रीका में कितना कितना आपको देश है ठीक ना हो गया फिर पूछा गया ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था मतलब ये हो गया कि पहले तो ये ची मिन कहाँ है मतलब कोई शहर चर्चा में है तो शहर कहाँ है जैसे भारत में दिल्ली है अजमेर है प्रमुख शहर है अमेरिका में शिकागो वगैरह है अमेरिका में न्यूयॉर्क है कौन सा शहर कहाँ है क्या पूरा का पूरा शहर याद करना नहीं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहर विश्व का है उस शहर कौन सा कहा है और उसका नाम अगर चेंज किया गया है पहले वाला नाम क्या था अब वाला नाम क्या है एग्जाम्पल के लिए आप सुनोगे फारस क्या बाबू फारस ठीक ना फारस क्या है ईरान का पुराना नाम है फरमोसा के नाम सुनोगे ताइवान का पुराना नाम है ऐसी म्यांमार के नाम सुनोगे म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था प्रमुख देश का वर्तमान नाम और पुराना नाम प्रमुख शहर का वर्तमान नाम और पुराना नाम की बात करते हैं ये हो गया अगला क्वेश्चन है बी -बी नामक चिड़िया कहाँ पाया जाता है मतलब अलग अलग बहु महादेश में अलग अलग देश में जो अलग अलग तरह के जीव है जंतु है वनस्पति है घास के मैदान है वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कौन सा देश में या कौन सा महादेश में किस प्रकार के जीव पाया जाता है किस प्रकार का जानवर पाया जाता है किस प्रकार का फसल पाया जाता है ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा तो मतलब की आपको एटलस देखने आएगा तो अपने सूर्योदय सूर्य जो होता है पूर्व सूर्य होता है वहीं से क्या होगा सूर्योदय होगा तो यहाँ पर यही देखना है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ से होगा देखो बच्चा एक बार पूछा था कोई संत थे कि सूर्योदय कहाँ होता है भारत में अरुणाचल मतलब पूछा था तो कुछ कुछ गोलमोल कर रहे थे हाँ जैसे दिक्कत क्या है ना बाबा जी को मैपिंग सेक्शन ज्ञान उनको है ना तो अगर मैपिंग सेक्शन ज्ञान हो तो अपने आप बता देते अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुनिएगा अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है अलास्का क्या है अमेरिका में एक बाबू क्या है राज है जो रशिया से उसका क्या है शरीदा है तो मतलब वो क्या कौन सा एरिया कहाँ पर है कौन सा क्षेत्र जो चर्चा में है कहाँ पर है कोई स्थान चर्चा में आ गया तो आपको पूछेगा वो कहां पर है निम्नलिखित uh -huh -huh. मतलब कौन सा देश अस्थल रुद्र है अस्थल रुद्र मतलब लैंडलॉक जिसका डायरेक्ट एक्सेस समुद्र तक नहीं होता है उसको बोलते हैं लैंडलॉक विश्व में प्रमुख प्रमुख उस देश है जो लैंडलॉक है कौन लैंडलॉक है और कौन लैंडलॉक नहीं है कौन सा जो कंट्री है डबली लैंडलॉक है क्या वो डबली लैंडलॉक है लैंडलॉक का, मतलब का मतलब क्या होता है डबली लैंडलॉक का मतलब क्या होता है थोड़ा देर में आपको समझाएंगे हम कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे पहले तो यही जानेंगे दीप क्या होता है महाद्वीप क्या होता है दीप क्या होता है महाद्वीप क्या होता है कौन सा दीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है यह हमारा क्या हो गया टॉपिक हो गया फिर पूछा गया दोस्त इनमें से कौन सा फिरकी देश लैंडलॉक नहीं है मतलब कि यह भी क्या है आपको इतना सा ज्ञान होना चाहिए कंट्री दिखाई देना यहाँ पर है ना बोले कि नाइजर तो नाइजर रट के इसको याद नहीं किया जा सकता है नाइजर आपको पिक्चर में दिखाई देता रहेगा तो पता चल जाए कि लैंड लॉक है कि नहीं है ना ये सब दिखाई देना चाहिए फिर तो आपको एटल्स देखना पड़ेगा आइए कंबोडिया तो निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक उपिभाग में आता है मतलब कौन सा देश का विशेषता क्या है जैसे ए हो गया भारत इधर क्या होता बाबू आप सुनोगे आसियान नामक संगठन का नाम सुना होगा आसियान तो आसियान कंट्री की विशेषता क्या होता है कि यहाँ के लोग देखने में लगते हैं चाइनीज और उनका कल्चर उनका पूजा पाठ का तरीका सब क्या है भारतीय है तो सांस्कृतिक रूप से क्या है भारतीय और आपका मतलब हाँ, बनावट के और प्रजातीय रूप से बोल सकते हैं क्या है चाइनीज है कंबोडिया भी क्या है आपका वही है और कंबोडिया में क्या है कि हिंदू मंदिर भी है क्या है आप अंकुर का मंदिर के नाम सुनोगे ना हाँ तो यहाँ मंदिर भी है यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है अगला पूछा गया अच्छा हो गया ना हाँ इतना क्या था आपको पूछा गया था इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए। अब आते हैं, करते अपना आज का से। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब या मानचित्र क्या होता है क्या बोले बाबू ग्लोब या मानचित्र क्या होता है ग्लोब या मानचित्र अच्छा आप लोग बाबू क्या है कभी दुकान में जाते होंगे या कहीं ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो इस तरह की चीज आपको दिखाई देता होगा देखिए इस तरह के देखे होंगे देखिए ना यही क्या है ग्लोब है और क्या है मानचित्र है ये गरीब का है और देखिए ये अमीर का है है ना अरे गरीब का रहेगा नॉर्मल का पृथ्वी ऐसा ही है हालांकि पृथ्वी ऐसा है नहीं पृथ्वी ऐसा है नहीं जैसे देखिएगा आप दुकान में जाते होंगे ना तो दुकान में जाते होंगे तो आप मोबाइल देखने जाते होंगे तो शुरुआती में दुकानदार ओरिजिनल मोबाइल ही दिखाता था लेकिन चार पांच लेकर मिलकर जाता था और दू पीछे खड़ा रहता था है ना आ देख रहा है तीन चार गो मोइले बढ़ा दिया और भाग जाता था तब का किया मोबाइल कि नहीं दिखाता है एक डमी सेट दिखाता है कि देखिए यही मोबाइल आपको रहेगा मतलब मॉडल दिखा दिया डमी सेट दिखा दिया वो बोले कि यही है लेकिन चलू है बाबू नहीं है तो ऐसे ही माना गया कि देखिए अलग अलग विद्वान बोलते हैं कोई बोलता है पृथ्वी गोल है नारंगी की तरह सेव के तरह तो कोई कुछ तरह जितना जो गुझा रहा जो अपना बोल रहा है अपना प्रयोग करके दिखा रहा है तो यहां पर क्या है कि फाइनल रूप से हम लोग मान है कि चलिए भाई समझने के लिए मानते हैं पृथ्वी कैसा है ऐसा है पृथ्वी कैसा है ऐसा है यही जो काल्पनिक जो नमूना है जो मॉडल मान ली है इसी को बोलते हैं ग्लोबिया मानचित्र क्या बोले ग्लोबिया मानचित्र क्या होता है पृथ्वी का जो काल्पनिक नमूना है इसी को मानते हैं ग्लोबिया मानचित्र देखिए समझने के लिए हम ये मानेंगे कि पृथ्वी क्या है एक गोला है पूरा गोल नहीं है लेकिन हमको फिर भी मानना है कि पृथ्वी क्या है गोला है देखिए एक होता है गोला एक होता है क्या वृत्त होता है दो चीज होता है बाबू समझिएगा गोला। गोला भी ऐसा ही होता है नहीं जी तो अंतर क्या हुआ अंतर यह चूड़ी आप देख रहे हैं बाबू चूड़ी ना तो वो क्या टू डायमेंशन है जो फुटबॉल देखिएगा ना फुटबॉल वो क्या थ्री डायमेंशन है उसमें लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है लेकिन आपका चूड़ी वगैरह में क्या होता है कि आपका ऊंचाई समान तौर पर क्या होता है आपको बहुत ही पृथ्वी क्या है आपको के जैसा है अब समझिए अगर पृथ्वी जो है फुटबॉल के जैसा है तो अगर ये फुटबॉल इस तरह से है इस तरह से है तो आपको कुछ देर पहले जो पहला क्लास हुआ था उसमें बताए थे थोड़ा सा हम आपको पे क्या बोलता है एटलस देखने का तरीका आज तरीका को फिर से बताना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी में अब यहाँ पर आएंगे देखिए सबसे सब पहले समझिएगा देखिए यह जो इसे हम लोग देखते हैं पूरब होता है पश्चिम होता है उत्तर होता है दक्षिण होता है लेकिन यहाँ एटलस देखने के लिए ऊपर में होता है उत्तर उससे ऊपर उसे उत्तर और उत्तर के बोलते हैं नॉर्थ हम खाली लिखेंगे एन उससे ऊपर उसे उत्तर और उत्तर के बोलते हैं नॉर्थ और नीचे को बोलते हैं दक्षिण क्या बोलते हैं दक्षिण हम शॉर्ट में खाली द लिखेंगे इसको बोलते हैं कोची साउथ 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 नॉर्थ नॉर्थ साइड में बोलते हैं पूरब क्या बोलते हैं पूरब इसको बोलते हैं ईस्ट पूरा बोलते हैं ईस्ट साइड में बोलते हैं पश्चिम क्या बोलते हैं पश्चिम इसको बोलते हैं वेस्ट फिर से आते हैं उससे ऊपर उत्तर हो गया और नीचे से क्या हो गया दक्षिण इधर हो गया पूरब इधर हो गया पश्चिम अच्छा आप देखिए अगर इधर कोई लोकेशन को देखना हो चाहे यहां चाहे यहां कहीं देखना है तो के दोनों को मिलकर पढ़ेंगे दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे उत्तर पूरा, उत्तर पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पूरा, उत्तर, पूरा उत्तर पढ़ेंगे पढ़ेंगे चाहे पूरा उत्तर उत्तर पढ़ेंगे पूरब उत्तर को मिलाएंगे तो हो जाएगा पूर्वोत्तर क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर हो जाएगा उसी तरह से अगर इधर कहीं लोग कोई लोकेशन देखना है तो चाहे उत्तर पश्चिम पढ़िए चाहे पश्चिम उत्तर पढ़िए उत्तर पश्चिम अच्छा है पश्चिम उत्तर और दोनों को मिला दीजिएगा तो हो जाता है पश्चिमोत्तर क्या होता है पश्चिमोत्तर हो जाता है उसी तरह से दोस्त क्या है कि अगर इसको पढ़ना इधर कहीं कोई लोकेशन देखना है तो चाहे दक्षिण पश्चिम क्या बोलेंगे बाबू दक्षिण पश्चिम आ चाहे बोलेंगे पश्चिम दक्षिण बोलेंगे ना चलिए दोस्त अब खड़ा हो जाइए बताइए किधर कोई लोकेशन देखना है तो क्या नाम होगा दक्षिण बैठ जाए क्या हो जाएगा दक्षिण और पूरब चाहे तो पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण अरे ये दोनों को मिलाकर पढ़ लेते हैं बस हो गया फिर से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और फिर क्या बोले कि ई लोकेशन को देखना है तो दोनों को मिलकर पढ़ लीजिए चाहे उत्तर पूरब पढ़िए चाहे पूरब उत्तर पढ़िए हेने पढ़ना है तो चाहे तो उत्तर पश्चिम पढ़िए चाहे पश्चिम उत्तर पढ़िए इधर पढ़ना है तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण इधर पढ़ना है तो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व हो होगी आपको है ना अब यहां पर फिर से आते हैं यहाँ पर देखिए अगर क्या है इधर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एन हो जाएगा जी नॉर्थ उत्तर एन हो जाएगा दक्षिण अब समझिएगा अगर इसको हम बीचे बीच बांट देते हैं गोला गोला को आधा कर दिए तो ये पहले तक गोला अब बन जाएगा गोलार्ध पहले क्या था गोला था बन जाएगा गोलार्ध तो ये ऊपर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं मतलब कि यहाँ पर जो बीचे बीच पृथ्वी को बांटे है ना तो इसको ऊपर में उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे में दक्षिण गोलार्ध ठीक है ना अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो इसको गोलार्थ बोलते हैं मतलब मतलब गोला होता है, मतलब क्या होता है है और क्या गोलार्ध नदन और हेमी आस सदन हेमीफियर नदन हेमीफेयर और क्या हो गया सदन सदर उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध हो गया अब आइए फिर से क्या करते हैं पृथ्वी का एक बाबू इस तरह से लेते हैं अब की क्या करते हैं इसको हम ऐसे बांटते हैं कैसे बांटते हैं ऐसे बांटते हैं तो जब ऐसे बांटेंगे तो इधर पूरब हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा पश्चिम तो ये क्या हो जाएगा दोस्त पूर्वी गोलार्ध क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और साइड क्या हो जाएगा दोस्त पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा मतलब कि अगर ऐसे बांटेंगे तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध नीचे में दक्षिण गोलार्ध और फिर क्या हो जाएगा इधर अगर बांटेंगे ऐसे करके बांटेंगे तो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध अब बताइएगा यहां पर आइए अगर इस तरह से है और इस तरह से हम बांट देते हैं हो गया ना अब बोलिएगा ये जो इलाका होगा इसको हम क्या बोलेंगे इसको तो उत्तर बोल दिए, इसको दक्षिण बोल दिए इसको पूरब बोल दिए इसको पश्चिम बोल दिए ना तो यहां पर कोई इलाका रहेगा जैसे क्या बोलेंगे उत्तर पूरब या पूरब उत्तर बोलेंगे भारत बाबू यहां पर भारत कहां पर है यहां पर है तो हम क्या बोलेंगे भारत कहां लाई करता है कहां पर उत्तरी गोलार्ध में प्लस पूर्वी गोलार्ध में मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या आपको भारत लाइक क्वेश्चन आ गया कि भारत कहां स्थित है में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये पूरा समझ में आ गया अब आगे समझिएगा तो देखिए यह जो पृथ्वी है यह आपका पृथ्वी है अब देखिए क्या होता है इस इसपे दो तरह के लाइन आपको जानना है इस पर अगर ऐसे ऐसे लाइन रहेगा ऐसे ऐसे लाइन रहेगा तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं अगर पृथ्वी पर ऐसा ऐसा लाइन दिखाई देगा तो इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड क्या बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं लेकिन अगर पृथ्वी है इस पर क्या है ऐसा ऐसा रेखा ऐसा ऐसा रेखा ऐसा ऐसा रेखा ठीक है ना मतलब ऐसा ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए ठीक ना तो यह क्या हो जाएगा देशांतर देशांतर इसको बोलते हैं लौंगे टूट क्या बोलते हैं लौंगे टूट बोलते हैं तो दो क्वेश्चन फिर से क्लियर करते हैं अच्छा आंसर का पूछेगा पृथ्वी पर बाबू लेटा हुआ रेखा ये लेटा हुआ ना अच्छा हम लोग सोते हैं तो कहीं सोते हैं ऐसी ना सोते हैं लैटिट्यूड हो गया और लेटना दोनों मिल रहा है लैटिट्यूड मतलब लेटना लैटिट्यूड मतलब क्या हो गया लेटना अच्छा लंबा रहेंगे तो, रहें तो इसे चलते हैं लंबाई में पाता फंबाई माता पा देखे हो इसका हाइटवा कम होता है ऐसा कलर रहता है और करता है ना तब मार के फिर कहता है ऐसे रहो पढ़ता क्या नहीं करता हाँ <hatten> तो मतलब क्या हो गया कि ये वाला क्या हो गया आपको मतलब ऐसे नापेंगे तो क्या है लंबाई माप रहे हैं और ऐसे क्या है लेटा हुआ माप रहे हैं तो मतलब क्या होगा लेटा हुआ होगा लेटिट्यूड और लंबा क्या हो गया लॉन्गिट्यूड तो मतलब कि पृथ्वी पर जो लेटा हुआ रेखा है अच्छा इस तरह के रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं छैतिज रेखा क्या बोलते हैं छतिज रेखा इसको बोलते हैं क्या छैतिज रेखा अंग्रेजी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पृथ्वी पर खींचे गए क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं अक्षांश पृथ्वी पर खींचे गए क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं और पृथ्वी पर खींचे गए इसको बोलते हैं वर्टिकल क्या बोलते हैं वर्टिकल और हिंदी बोलते हैं उदग्र क्या बोलते हैं उदग्र पृथ्वी पर खींचे गए क्षैतिज रेखा को अक्षांश कहते हैं और पृथ्वी पर खींचे गए उदग रेखा को क्या बोलते हैं देशांतर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना अब आगे समझना क्या है यहां पर आइए कि ए अगर पृथ्वी हो गया दोस्त, तो सुनिएगा इसमें क्या है आप लोग मैथ पढ़ोगे कि दो रेखाओं के बीच झुकाव होता है उसे एंगल कहते हैं अगर यहां पर क्या है कि बिल्कुल दोनों इस तरह से यहां कोई एंगल बन रहा है जीरो डिग्री बन रहा है लेकिन अब देखिए कुछ एंगल बनेगा अब बनेगा ये पढ़े हुए कि जब दो रेखा ऐसे होता इसको बोलते है यहाँ पर नाइनटी डिग्री का एंगल बनता है बनता है ना इसे समझिए क्या यहाँ पर बीचों बीच खींचा गया रेखा हो गया और पृथ्वी का बीच बीच है इसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री दिशांतर क्या बोलते, है? बोलते हैं क्या बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांश बोलते हैं अब सुनिएगा यहां पर इसका क्या है सेंटर यहां पर क्या हो गया आपको सेंटर सेंटर मतलब हो गया केंद्र और यहां जहां तहां क्या है बाबू एंगल यहां पर क्या बनेगा एंगल यहां पर क्या बनेगा एंगल तो एक्चुअली में क्या है कि यहां पर जीरो डिग्री एंगल एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री पांच डिग्री छो डिग्री से होगा ना और इसी करते करते अगर यहां आएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया बाबू तो यहां पर एंगल कितना बनेगा नाइनटी डिग्री का यहां पर एंगल बनेगा जो एंगल बन रहा ना यही एंगल को हम ऐसे ना दिखा करके ये एंगल को कैसे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं पृथ्वी पर जो ऐसा ऐसा लाइन देख रहे हैं ना ये क्या बता रहा है आपको एंगल बता रहा है क्या बता रहा है बाबू एंगल बता रहा है समझ में क्या ना मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली में ऐसे नहीं है ये क्या है यहाँ पर एंगल है लेकिन ये एंगल को ना दिखा करके हम खाली क्या दिखाते हैं ऐसा दिखाते हैं इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी पर खींचे गए जो छैतिज रेखा है इसे क्या बोलते हैं लेटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं

ध्रुव को बोलते हैं पोल क्या बोलते हैं दोस्त पोल ध्रुव बोलेंगे इसी को बोलते हैं पोल और यहां पर भी क्या हो गया ध्रुव हो गया इसको बोलते हैं पोल क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं सुनिएगा उत्तर में है तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव एक कौन सा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा सुनिए क्या बोले हमें बोले कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर में जो होगा बिंदु होगा उससे बोलते हैं ध्रुव और नीचे में बिंदु को बोलते हैं ध्रुव ऊपर में है तो उत्तरी ध्रुव और नीचे में तो दक्षिण उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव अगला चीज समझना है देखिए अच्छा रेखा देखा जाए तो नब्बे गो हो जा रहा है हो जा रहा है ना लेकिन यहाँ पर मतलब ऊपर में चल रहे तो नब्बे गो आ रहा है ना जी और नब्बे को नीचे भी आ रहा है तो क्या सारा छांस रेखा का नाम याद करना है तो नहीं आपको पांच वो के आसपास क्या है अच्छांश रेखा का नाम याद करना है बाकी का नाम याद नहीं करना है तो आते हैं बाबू अच्छांश रेखा का नाम याद करने के लिए ये मान लेते क्या हो गया पृथ्वी तो सबसे पहले क्या है कि बीचे बीच के रेखा है। पृथ्वी क्या कर रहा है दो भाग में क्या कर रहा है बांट रहा है इसको बाबू बोलते हैं जीरो डिग्री अच्छा क्या बोलते हैं जीरो डिग्री अच्छा मतलब हो गया जीरो समझना क्या पृथ्वी को यह दो भाग में क्या कर रहा है बांट रहा है भूमि को भू मतलब होता है भूमि भूमि मतलब पृथ्वी पृथ्वी के मध्य से जा रहा है तो बोलते भूमध्य रेखा क्या तो बोलते हैं भूमध्य रेखा तो इसका और नाम क्या हो गया भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा क्यों क्योंकि भूमि को मध से क्या कर रहा है डिफाइड कर रहा तो भूमध रेखा बोल दिया अच्छा इसी को बाबू क्या है कि बोलते हैं विश्वत रेखा क्या बोलते हैं बिस्वत रेखा बोलते हैं क्या क्या नाम हुआ जीरो डिग्री छांस हो गया भूमध रेखा हो गया और क्या हो गया विश्वत रेखा हो गया इसके अलावा क्या इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटर क्या बोलते हैं इक्वेटर क्योंकि बाबू इक्वल इक्वल भाग में बांटा है ना जिससे क्या बोलते हैं इक्वेटर क्या बोलते हैं बाबू इसको इक्वेटर रुक जाइए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसे क्या बोलेंगे दोस्त इक्वेटर बोलेंगे सुने क्या क्या बोले ये जो डिग्री अक्षांश है इसका हमने काका -का नाम दिया पहला तो बोले जीरो बोले विशुद्ध रेखा क्या बोले इक्वेटर मतलब चाहे तो हम अक्षांश जीरो डिग्री अक्षांश बोले भूमध रेखा बोले विशुद्ध रेखा बोले इक्वेटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है जीरो डिग्री या जो ऑप्शन रहेगा जो बना लीजिएगा ये क्लियर हो गया अब चलिए अब चलना है कहा साढ़े तेईस डिग्री कहा बाबू साढ़े तेईस डिग्री अच्छा साढ़े तेईस उत्तर है कि दक्षिण है तो उत्तर को नॉर्थ लिख देते हैं देखिये ते साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अचानक क्या कहते हैं और साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं ये आपको पूछेगा ठीक है ना तो उत्तरी को, को बोलते हैं कर्क रेखा है。क्या बोलते हैं कर्क रेखा क्या बोलते हैं कर्क रेखा आईसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं मतलब क्या साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे आप सिगरेट पीते हैं उसको भी लिखा रहता है सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है मतलब कैंसर होता है रहता है ना तो ये कैंसर हो गया आगे चलिए अब इसी को अगर यहां पर आए आएंगे यहां यहां आएंगे आएंगे पर और थोड़ा हाँ। अगर साढ़े तेईस डिग्री तो इसको बोलते हैं मकर रेखा मकर रेखा बोलते हैं इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन देखिए ऊपर में कैंसर नीचे कैप्रिकॉन है ऊपर में कर्क है और नीचे में मकर रखा देखिए सुनने में तो लगता है कि बड़ा याद हो जाएगा लेकिन एग्जाम में क्या होगा कंफ्यूजन कौन कर्क रखा है और कौन मकर रखा तो इसके लिए क्या करेंगे एक दो तरीके से पहले समझिए क्या है इसको ऐसे याद कर सकते हैं उका फलना के दमा हो गया उका फलना के दमा हो गया उका दामा हो गया उसे हो गया उत्तरी में कि okay. आपको आपको ये याद रहेगा कि साढ़े तेईस को कर्क मकर कहते कर हैं लेकिन उत्तरी है को कहते हैं कि दक्षिण को ही कंफ्यूजन होगा तो उस हो गया उत्तरी कस हो गया कर्क दस हो गया दक्षिणी मस हो गया मकर क्या हो गया टू का मतलब उस हो गया उत्तरी कस हो गया कर्क तो उत्तरी में क्या है कर्क रखा और दक्षिणी में क्या है टू का दामा हो गया पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका है यहां पर है कैंसर यहां पर है कैप्रिकॉन ये पता रहेगा कैंसर और कैप्रिकॉन ही पता रहेगा कि साढ़े तेईस डिग्री वो कहते हैं लेकिन भुलाइए है कि भाई ऊपर में है कि नीचे में है तो देखिए तो कैंसर और कैप्रिकोन पढ़िए कौन भारी लग रहा है कैप्रिकोन भारी लग रहा है तो भारी वाला नीचे और हल्का वाला ऊपर कैंसर क्या है हल्का है ऊपर में रहेगा का होगा नीचे में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन समझा गया ना अब आइए ऊपर में अगला चलना है क्या दोस्त साढ़े छियासठ क्या बो साढ़े छियासठ नॉर्थ में इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा बोलिए ये आर्कटिक वृत्त बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा बोलिए वृत्त बोलिए इसी को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल आर्कटिक सर्किल बोलते हैं और नीचे अगर साढ़े छियासठ में आइएगा कहां बाबू नीचे अगर साढ़े छियासठ में आइएगा तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका क्या बोलते हैं अंटार्कटिका अब देखिए दोनों पढ़े में वही लग रहा है देखिए पढ़े में बाबू भारी कौन लग रहा है पढ़ रहे हैं तो आर्कटिक और अंटार्कटिका में पढ़े में भारी कौन है ये है उच्चारण में बड़ा कौन है ये है मतलब देखिए आपको यह भी याद रहेगा कि साढ़े हैं लेकिन कौन दक्षिण में है कौन उत्तर में है तो याद करने का तरीका है कि जो भारी वाला रहेगा उसको नीचे कर लेंगे हल्का वाला के ऊपर कर लेंगे तो आर्कटिक क्या हो जाएगा आपको ऊपर में हो जाएगा अंटार्कटिका नीचे में एक और तरीका क्या है कि जब आपको एटलस देखने आ जाएगा आर्कटिक महासागर है ऊपर में है और अंटार्कटिका महाद्वीप कहां है नीचे में आर्कटिक सागर कहा है ऊपर में है अंटार्कटिका महाद्वीप कहां है नीचे में तो उससे भी याद किया जा सकता है यहां तक समझ में आ गया अच्छा ये तो आपको बताइए दिए दोस्त यहां पर हो गया कौच नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पर हो गया आपको साउथ पोल तो फिर से आते हैं सबसे पहले जीरो डिग्री अक्षांश अच्छांस तो बोलते हैं अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा रेखा इक्वेटर बोलते हैं यह क्या है कि सबसे बड़ा क्या है आपको अक्षांश रेखा क्या सबसे बड़ा है यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है काट रहा है अच्छा लंबाई देखिएगा तो ऊपर जाने का घटना है ना जी यहाँ पर तो बिल्कुल घटना जाएगा मतलब सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन हो गया एक हो गया अगला क्या साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं कर्क कर रेखा इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं उका, का फिर क्या बोले साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं उका दामा हो गया उत्तरी में में कर्क है और दक्षिणी मकर हो गया या कैंसर हल्का है और कैप्रिकॉन भारी है तो कैंसर ऊपर में रहेगा और कैप्रिकॉन रहेगा नीचे में फिर क्या बोले कि साढ़े छियासठ डिग्री अगर नॉर्थ में चलेगा तो अंटार्कटिका रेखा हो जाएगा इसको वृत्त बोलेंगे अंटार्टिका वृत्ति बोलेंगे सॉरी आर्कटिक आर्कटिक और नीचे में अंटार्टिका आर्कटिक हल्का है तो ऊपर में अंटार्कटिका भारी है तो नीचे में तो सारे समझ में आ गया अब ऊपर में क्या हो गया नॉर्थ पोल नीचे में क्या है? अगला है क्या अच्छा छांस रेखा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है अगला क्या हो गया क्या छांस रेखा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है अच्छांश रेखा अच्छा का प्रयोग अछांश रेखा का प्रयोग किसके लिए करते हैं इसके लिए क्या है कि बच्चा फिर से यहां आ जाइए कि इससे क्या होगा ना कि इंटरेक्शन से क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा कोई एक आइए कोई नहीं आइएगा वाह अरे बहादुर छुए कब सकता नहीं है घुड़वा छोरे के चलते नहीं आते नहीं इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए पहले हां कुछ रहिए कुछ दुबे गए अच्छा आ गए तो चलिए धूपालते हैं ना जब आइए गए तो देखिए समझिएगा ये क्या है इनका बाबू क्या है आपका दिखाई दे रहा है ना अब समझिए क्या है कि मैंने फिर क्या कर रहे हैं टोर्च जला रहे हैं देखिएगा ऐसे टोर्च जलाए दिखाई दे चले मौको मानना है हम ऐसे जला रहे हैं इनका लेदा पर ऐसे हो ये? है ना देखिए ऐसा देखिए ध्यान देखिएगा दिखाई दे रहा है बाबू यहाँ देखिये लाइट जो है ज्यादा कहाँ पड़ रहा है इनका लेदा पर अरे पड़ रहा है ना मतलब यहां से लाइट जा रहा है तो कहां जा रहा है यहाँ पर जा रहा है अच्छा इसके ऊपर वाला और नीचे वाला का में कहा है कम है ना ठीक है ना एक व्यक्ति काम है ठीक है ना अगला बार आपको मौका मिलेगा ठीक है धन्यवाद चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर लाइट जा रहा है अभी से माध्यम से समझे क्या है सूर्य जो बाबू है सूर्य का जो लाइट आ रहा है पृथ्वी पर आ रहा है ठीक ना पृथ्वी के सब हिस्सा पृथ्वी है पृथ्वी के सारा हिस्सा में क्या बराबर -बर है नहीं इस साइड में देख रहे हैं ज्यादा है इसके ऊपर में और इसके नीचे में क्या है कम है तो जहां बाबू क्या है लाइट ज्यादा जा रहा है तो वहां धूप होगा ज्यादा धूप ज्यादा होगा तो गर्मी होगा ज्यादा और जहां धूप होगा और गर्मी ज्यादा होगा तो क्या वो पहले सुन लीजिए है ना देखिए बता रहे सम को जानते हैं सुन लीजिए पहले बुरा मत मानिएगा सम को जितना ज्यादा परफॉर्म करने का मौका दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा है ना हाँ ज्यादा अपने तेज बनिएगा है ना तो दिक्कत काफी को है ठीक है ना तो हम फिर बात बना लेंगे ना तो फिर काम गड़वा जाएगा आइए सुनिए ये समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा अब धूप ज्यादा है कपड़ा धूप में सुखिए जल्दी सूखता है कि नहीं सूखता है और ठंडा में जल्दी सूखता है नहीं तो मतलब ये क्या है कि यहाँ समुद्र में जो पानी रहेगा वो क्या होगा ऊपर जल्दी से चला जाएगा ऊपर जल्दी से चला जाएगा आप समझिए कि आप लोग डोल पत्ता खेलते होंगे पेड़ पर चढ़ रहे हैं पेड़ पर चढ़ रहे हैं सब डलिया सब लटक रहे हैं और ढेर में लटक जाएगा टूट तो जाता है ना जी तो सेम चीज क्या होता है कि ऊपर बहुत सारा धूल कन धूलकन है तो जितना यहाँ से पानी उड़ के जा रहा है वो धूल पर क्या है लटक जा रहा है और वो मत लटकना भारी हो गया भारी हो गया टूट जाएगा टूट जाएगा की लटकूगी लटकबाऊ बाबू नहीं लटकने के लटक जा रहा है पूरा लटक गया तो फिर क्या होगा नीचे बाबू बरसात होना शुरू अब क्या देख रहे हैं कि एरिया में आपका क्या हो रहा है धूप ज्यादा आपका गर्मी ज्यादा और साथ ही वाष्पीकरण भी, भी ज्यादा पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर से बाबू बरसात भी क्या होगा ज्यादा जहां धूप ज्यादा जहां बरसात ज्यादा वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु क्या होगा ज्यादा पनपेगा ठीक ना मतलब कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी ज्यादा पनपेगा तो जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहता उसको बोलते हैं कि जैव विविधता तो ज्यादा होगा तब मतलब कि ई एरिया में धूप ज्यादा बरसात ज्यादा जीव जंतु ज्यादा जैव जा विविधता ज्यादा हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर चलिए अब यहाँ के बाद क्या है ऊपर यहाँ पर माथा पा कोई पते नहीं चारा के है ना यहाँ पर क्या एकदम ठंडा एकदम क्या है ठंडा है इतना ठंडा लग रहा है ना है। कोई है भी तो एकदम ऐसे से 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 कहले है, से कहले ऐसे ऐसे है कि नहीं मतलब उसके घर में चोर चोरी करके भाग जाएगा ना उसका बढ़िया चीज ना मोबाइल चोरा करके ना सबसे बढ़िया चीज मोबाइल होता है आज के डेट में वो चोरा के भाग जाएगा फिर भी उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा मतलब की यार रहल न रहल क्या है बराबर है है ना चलिए जाइए अब ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद इनके एक बार ताली बजा दिए फिर से अब यही चीज को बाबू क्या है कि लागू करना है कहां पर यहां पर लागू करना है समझिएगा <laughs> यहां क्या है सूर्य यहां पर क्या सूर्य अब देखिए सूर्य इतने चुके नहीं है सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन सूर्य बहुत इतना दूर है ना कि दिखाई देता है इतने चुके ठीक ना अगर सूर्य बहुत नजदीक रहता तो पृथ्वी से क्या है कई गुना बड़ा है चूंकि बहुत दूर है तो बहुत चुके दिखाईता है आदमी देखिए तो बड़ा है ना अब गोल घर पर चढ़ के हमको देखिएगा हम इतने चुके दिखाई देंगे तो होगा ना जितना ऊपर चल जाएगा उतना ही छोटा दिखाई देगा तो यहाँ समझिए क्या है कि यहाँ बाबू क्या है ये तो रहेगा लाल बाबू सूर्य रहेगा लाल रहेगा ना जी मतलब समझिए कि लाइट से क्या है लाल है अब यहाँ से क्या होगा लाइट आएगा और समझिएगा यहाँ पर ये की बात करते हैं ये हो गया जीरो डिग्री जीरो डिग्री और एक हो क्या हो गया आपको साढ़े तेईस क्या हो गया साढ़े तेईस हो गया नॉर्थ और एक क्या हो गया साढ़े तेईस साउथ साढ़े तेईस साउथ हो गया अब सुनिएगा जब यहां से लाइट आएगा ना तो लाइट ऐसे आएगा ई एरिया में सबसे अधिक लाइट होगा क्या होगा सबसे अधिक लाइट होगा ठीक है ना तो रेखा के आस पास वाला इलाका में साढ़े तेईस ऊपर तक साढ़े तेईस नीचे तक यहां धूप ज्यादा होगा बरसात ज्यादा होगा धूप ज्यादा होगा गर्मी ज्यादा होगा बरसात ज्यादा होगा तो जीव जंतु भी ज्यादा होगा तो मतलब यहाँ पर जैव विविधता भी, भी, भी ज्यादा होगा ठीक है ना तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका इस्तेमाल क्या क्या इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं तो गर्मी धूप बरसात जैव विविधता इत्यादि ज्ञात करने के लिए हम किसको कर रहे हैं आपको छांस रेखा का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन जैसे यहाँ पर यहाँ की बात करते हैं यहाँ की अब यहाँ तक लाइट जा रहा है तो, क्या दूरी ज्यादा पड़ जा रहा है जब दूरी ज्यादा पड़ जा रहा है तो इंटेंसिटी लाइट का कम होगा कि नहीं होगा कम हो जाएगा तो यहां लाइट बहुत ही क्या होगा कम होगा यहां पर यह लाइट बहुत ही क्या होगा कम होगा यहां पर लाइट बहुत कम यहां पर, तो पर यह दिखाई देगा आप या इसके नीचे सेम है। आपको क्या धूप -क्या? कमेगा गर्मी कमेगा बरसात कमेगा जैव विविधता कमेगा मतलब ये हो गया कि सबसे अधिक यहां पर होगा सबसे कम यहां पर होगा यहां पर अगर कोई जीव जंतु है भी ना तो वह एक्टिव अवस्था में अगर कोई बाबू बोल सकते हैं कि कोई छोटा मोटा जीव है बैक्टीरिया है विषाणु कुछ भी है तो है लेकिन कोई काम का नहीं है वो क्या है निष्क्रिय अवस्था में है समझ में गया ठीक है ना अच्छा यहाँ पर जो पेड़ पौधा वगैरह होता है ना इन्वॉयरमेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे बड़ा बड़ा क्या होगा आपको पत्ती वाला होगा और यहाँ पर जाइएगा तो क्या शंकुकार क्या हो जाएगा शंकुकार और ऊपर में तो कुछ नहीं करेगा ऊपर में कुछ नहीं होगा तो ये जो पढ़ाएंगे बायोम के बारे में पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट वाला चैप्टर में अभी फिलहाल यहाँ तक रोक देते हैं तो काम गड़वा जाएगा क्या बाबू कि यहाँ पर धूप ज्यादा बरसात ज्यादा और जय विविधता ज्यादा इसके ऊपर चलिए या नीचे चलिए क्या होगा सब कमते जाएगा तो सबसे कम बाबू धूप जैव विविधता वगैरह कहा होगा यहाँ पर होगा और सबसे अधिक कहा होगा यहाँ पर तो मतलब अच्छांश रेखा का इस्तेमाल धूप गर्मी जै विविधता है ना इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है अब आते हैं बाबू क्या जब ये समझ में आ गया तब आते हैं देशांतर रेखा क्या वो देशांतर रेखा देखिए यह हो गया क्या आपका पृथ्वी हो अब देखिए क्या है अच्छा एक और जान लीजिए यह जो अच्छांश रेखा होता है ना अच्छा रेखा ये कभी आपस में मिलता नहीं है सीढ़ी देखे होगा मैं ना सीढ़ी में ऐसे से लगाया रहता है बरोबर बरोबर पर कभी मिलेगा मिलने के लिए क्या है कि बाबू ऐसे चलना चाहिए तो नहीं मिलेगा कहीं तो बाबू अच्छांश रेखा कभी भी क्या होता है मिलता नहीं है अब आते हैं देशांतर रेखा की बात देखिए

तो जीरो डिग्री कोल्ता में क्या है एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर है अब समझना क्या है जीरो डिग्री दे जो देशांतर है इसका इस्तेमाल करते हैं समय ज्ञात करने के लिए बाबू समय ज्ञात करने के लिए बोलते ना कि दस बज रहा है बीस बज रहा है इस समय ज्ञात करने के लिए एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर का इस्तेमाल करते हैं तिथि तिथि मतलब दिनांक ज्ञात करने के लिए बोलते हैं ना कि आज पांच तारीख है कल छो तारीख है तो सुनिए देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं एक बाबू समय ज्ञात करने के लिए एक तिथि ज्ञात करने के लिए तो जीरो डिग्री देशांतर का इस्तेमाल करते हैं समय ज्ञात करने के लिए क्योंकि समय ज्ञात कर रहे हैं हैं इसी को बोलते अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ठीक है ना इससे हम तिथि ज्ञात करते हैं तो बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा तो दो क्वेश्चन यहां से आएगा पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इंटरनेशनल टाइम जोन कितना डिग्री देशांतर से लिया गया है जीरो डिग्री से पूछेगा रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कितना डिग्री देशांतर से लिया गया है और फिलहाल की इतना ही बाकी से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे लास्ट में सबसे कहा बाबू लास्ट में तो अच्छा देशांतर समझ में गया अच्छा का इस्तेमाल बाबू जलवायु वगैरह याद करने के लिए करते हैं ना बरसात धूप गर्मी भी भी का इस्तेमाल करते हैं समय और तिथि क्लियर हो गया अब आइए क्या हुआ थोड़ा सा दिखा देते हैं कुछ कुछ यही यहाँ पर दिया गया देखिए कि जो ऐसा ऐसा लाइन होगा लेटलेट है इसको बोलते हैं जो लंबा लंबा होगा क्या बोलेंगे लॉन्गी ट्यूड बोलेंगे अब आइए यहां पर इसको आइए देखिए यह क्या है विश्व का महाद्वीप क्या विश्व का महादीप है वाला ठीक ना। है ना इसमें क्या समझना देखिए पहले दीप समझिए फिर समझेगा महाद्वीप दीप मतलब क्या होता है कि जमीन का टुकड़ा है जमीन का टुकड़ा है आज चारों तरफ से क्या है पानी है जमीन का टुकड़ा है आज चारों तरफ से पानी है तो जमीन को है, है? बोलते हैं दीप क्या बोलते हैं दीप बोलते हैं अगर यही जमीन क्या है बहुत बड़ा हो जाए बहुत क्या हो जाए बड़ा हो जाए ठीक है ना तो उसे क्या बोलते हैं महाद्वीप क्या महा? बोलते हैं महाद्वीप महाद्वीप बोलते हैं देखिए जब पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में बताएंगे तो वहां इसके बारे में और कंसेप्ट बताएंगे पैंथलासा क्या होता है पेंजिया क्या होता है गोडवाना लैंड क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे फिलहाल समझे क्या बता रहे हैं कि द्वीप मतलब क्या है कि एक जमीन का टुकड़ा है आज चारों तरफ क्या है पानी है तो उसे बोलते हैं बोलते हैं अब महाद्वीप का मतलब क्या होता है कि जब दीप का आकार क्या हो गया बड़ा तो चारों तरफ पानी भी क्या हो जाएगा ज्यादा तो उससे बोलते हैं महादीप आप सुनेगा दीप की संख्या बहुत ज्यादा है इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन महाद्वीप की संख्या कितना है सात है महाद्वीप की संख्या कितना है सात है अच्छा महाद्वीप की जगह जो संख्या सात है उसमें आपको देखना है कहाँ कहाँ है पहले समझिए क्या है कि ई वाला जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां से लेकर के ई बाबू पूरा यहाँ तक आइए ऐसे बाबू पूरा ई वाला है ना ये पूरा को बोलते हैं एशिया क्या बोलते हैं एशिया महाद्वीप बोलते हैं ये जो आपका यहां से यहां हो गया यहां से यहां हो गया इसे बोलते हैं क्या बाबू बोलते बोलते हैं हैं आई हो गया उत्तरी अमेरिका अरे हो गया दक्षिणी अमेरिका ये हो गया अंटार्कटिका अरे हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया यूरोप सुनिए एक बार फिर से जो पूरा इलाका आपको दिखाई दिया ये है एशिया क्या हो गया एशिया एशिया के यहां क्या हो गया अफ्रीका क्या हो गया अफ्रीका अच्छा फिर यहाँ आई अमेरिका इसको बोलते पूरा को बोलते हैं अमेरिका और उत्तर में तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में तो दक्षिणी अमेरिका और नीचे वाला को बोलते हैं अंटार्कटिका क्या बोलते हैं अंटार्कटिका बोलते हैं अंटार्कटिका और इसको बोलते हैं बाबू क्या यूरोप क्या बोलते हैं यूरोप और इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया अच्छा आप ध्यान से देखिए एशिया को यूरोप को देखिए हम क्या बोले कि महाद्वीप के लिए यह जरूरी है कि उसके चारों तरफ हो पानी लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो इधर पानी इधर पानी इधर पानी है लेकिन इधर पानी है बाबू इधर पानी नहीं है तो मतलब कि यूरोप के इस साइड में पानी नहीं बोलने है। क्या है जमीन है कई बार यह मान लिया जाता है कि एशिया और यूरोप ये अलग अलग नहीं है ये दोनों क्या है साथी है तो एशिया को और यूरोप को मिला देते हैं क्या वो एशिया को प्लस यूरोप को मिला देते हैं बन जाता है यूरेशिया यू रेशिया यू रेशिया देखिए यूरोप का यूरो ले लिया एशिया का सिया ले लिया तो एशिया यूरोप में बोलते हैं यूरेशिया समझ में आए तो क्या बोले एक बार फिर सुनिए क्या बोले एशिया ये हो गया यूरोप ये हो गया कई बार क्या है कि एशिया यूरोप को अलग अलग नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं है बीच में पानी नहीं है तो दोनों को जब मिला देते हैं तो बोलते हैं यूरेशिया क्या बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं फिर क्या बोले एशिया देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़ा एशिया दिखाई दे रहा है मतलब कि अगर हम देखेंगे तो ध्यान से तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया अच्छा सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बहुत सारा खेलते हैं तो उसके बारे में पता होगा करेगा आईपीएल आप लोग देखते होंगे तो ये तो हो गया एशिया ये हो गया ऑस्ट्रेलिया तो दो क्वेश्चन है जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया तो हो गया आते हैं दूसरा बड़ा एशिया पहला स्थान पर दूसरा पर हो गया अफे एशिया पहला दूसरा पर अफेर तीसरा पर हो गया उत्तरी अमेरिका इसको याद करने का तरीका उत्तरी ऐसा लग रहा है जी ये तीन है तीन लग रहा है उत्तरी अमेरिका जब लिखेंगे तो तीन से लिखा रहे अभी तीन से है तो उत्तरी अमेरिका हो गया चौथा तीसरा उत्तरी अमेरिका तीसरा और चौथा हो गया दक्षिण अमेरिका अब आइए है बाबू क्या पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है अंटार्कटिका अंटार्कटिका का विशेषता क्या है कि खाली यहां पर है बर्फ खाली क्या है बर्फ अब बर्फ का कलर कैसा होता है सफेद कैसा होता है सफेद तो इसीलिए इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप क्या बोलते हैं श्वेत कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो बर्फ से सालों ढका रहता है अच्छा जहां बर्फ से ढका है देखिए हमारे यहाँ ठंडा के दिन में जब 10 के आसपास पास टेम्परेचर चला जाता है तो हालत पंचर होता है आदमी के रहने लायक कंडीशन नहीं बचाता है ठीक है ना अब इतना ठंडा में आदमी रह पाएगा नहीं तो यहाँ पर आदमी बाबू क्या है कि प्राकृतिक परिस्थिति में रह ही नहीं सकता है तो यहाँ पर जनरली आदमी नहीं होता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर आदमी नहीं रहता है अंटार्टिका अब जहां पर आदमी नहीं है उसको बोलते आदमी बोलते है जन क्या बोलते हैं जन आदमी नहीं है जन नहीं है तो बोलते हैं निर्जन क्या बोलते हैं निर्जन तो निर्जन महाद्वीप किसे बोलते हैं आंटाटका निर्जन महाद्वीप आंटाटका कहा जाता है देखिए यहां पर क्या किया जाता है यहाँ पर एक आंटाट का में आदमी तो नहीं होता लेकिन कोई जीव जंतु वगैरह होता है जैसे पेंगुइन वगैरह के नाम से ना हो तो यहां पर क्या है कि ठंडा में रहने वाला कोई थोड़ा बहुत जीव जंतु पाया जाता है लेकिन बिल्कुल ध्रुव पर नहीं पाया जाएगा यहाँ और ऊपर इलाका में क्या होगा पाया जाएगा ध्रुव पर इतना ठंडा होता है तो वहां बैक्टीरिया वायरस जीवाणु वगैरह भी सर्वाइव नहीं कर पाता अगर रहेगा अभी रहे तो बिल्कुल इन अवस्था में रहेगा तो फिलहाल समझिए क्या बोले अंटार्टिका को क्या, क्या क्या नाम दिए पहला क्या दिए इसको श्वेत महाद्वीप क्योंकि बर्फ से क्या है ढका हुआ बर्फ से ढका हुआ दूसरा क्या बोले इसको बोलते हैं निर्जन क्योंकि यहां आदमी नहीं होता है समझा गया और ये सबसे क्या हो गया ठंडा भी हो गया सबसे क्या हो गया ठंडा देखिए जानते हैं हमारा वैज्ञानिक लोग अलग अलग तरह की रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि तो पृथ्वी पर क्या है लोन बढ़ते जा रहा है पहले क्या है कि जहां ना यहाँ बोलते हैं पटना में रहते होंगे तो यहाँ पर क्या होता होगा कि पानी जो रहता होगा अपने बाबू हॉस्टल का ही पीते होंगे लेकिन अब कोई हॉस्टल में पानी मिलता है जी पानी कहीं से बाबू लेकर के पीना होता है तो हम लोग जीवन की संभावना की तलाश करें और कहा जीवन हो सकता है जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य शर्त है पानी क्या है पानी जल ही जीवन है जल ही जीवन है अच्छा ऊपर जाते हैं तो सब जगह क्या ठंडा वाला माहौल है तो हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अंटार्कटिका में जो ठंडा है अंटार्कटिका अंटार्कटिका में जो ठंडा है है अगर यहां से कुछ पता चल जाए कि के अंदर कहीं जीवन संभव तो ऊपर भी जीवन कभी संभव हो सकता है ऐसा वैज्ञानिक अंदेशा लगा सकते हैं इसीलिए क्या है कि यहां पर क्या होगा रिसर्च होगा क्या होगा रिसर्च होगा रिसर्च गरीब आदमी करता है अमीर आदमी अमीर आदमी तो यहाँ जो भी अमीर टाइप का देश होगा ना वो अपना रिसर्च एक्टिविटी करेगा तो यहाँ रहता है तो रहने के लिए आदमी क्या है कि अपना एक स्पेशल स्पेशल तरह तरह का बर्फ बर्फ वाला घर घर के लिए, के लिए बना लेगा और क्या करेगा सूट पहनेगा जैसे ठंडा में हम लोग रहते हैं लेकिन कपड़ा पहनना पड़ता था ठंडा था, का ना तो यहाँ भी क्या होगा स्पेशल तरह के कपड़ा वगैरह पहन करके लोग रिसर्च एक्टिविटी करता है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं इस महाद्वीप को बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप उसे तो क्या बोलेंगे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप बोलेंगे अब सुनिएगा यहाँ पर बर्फ पूरा क्या है बर्फ बर्फ पूरा है 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 अब क्या क्या दिक्कत हो हो रहा रहा कि पिघल रहा है, है। बर्फ पिघलने से क्या होता है पानी का स्तर क्या होगा बढ़ेगा अच्छा जब पानी का स्तर क्या होगा बढ़ेगा तो क्या आएगा बाढ़ आएगा बाढ़ आएगा तो अब दुनिया बर्बाद होगा बाढ़ के बाद कई सारा बीमारी भी आता है आता है ना तो देश के लिए अच्छा है खराब है खराब बर्फ पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक विश्व का एक टेम्परेचर है जो नॉर्मल होना चाहिए ऐसे विश्व का वर्तमान पंद्रह डिग्री सेल्सियस के आसपास है लेकिन अब क्या है कि हम बाबू क्या कर रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं कोयला जला रहे हैं पेड़ काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रहा है बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी बहुत सारा ऐसा गैस होता है जो सूर्य की रोशनी को क्या करता है घिसता है और पृथ्वी को गर्म करता है ऐसे गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस वैसा गैस होता है जो सूर्य की रोशनी को भेजता है और पृथ्वी को क्या करता है गर्म करता है तो ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो पृथ्वी ज्यादा मात्रा में गर्म होगा जब पृथ्वी ज्यादा मात्रा में गर्म होगा तो ज्यादा क्या होगा पिघलेगा कौन ये ज्यादा क्या होगा आपको पिघलेगा समझा गया तो मतलब क्या हो गया कि अगर ज्यादा मात्रा में पिघलेगा तो अच्छा है खराब है खराब हो गया ना अब आगे समझेगा इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं प्रदूषण भी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं प्रदूषण भी अब समझिए कलर क्या है आपका उजला है देखिए विज्ञान की 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 भाषा भाषा में कलर कैसे डिसाइड होता है फिजिक्स की की बात करते हैं देखिए जो बाबू क्या है सारा देखिए सूर्य के प्रकाश में सात रंग होता है सूर्य के प्रकाश में सात रंग और सातों रंग के मिला दीजिएगा तो सफेद होता है सातों रंग को जब मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सफेद हो जाएगा ठीक है ना अब समझिए क्या है कि अगर कोई वस्तु ये बाबू काला मान लेके दिखाई दे रहा है समझने के लिए काला है तो काला का मतलब सारा के सारा क्या कर रहा है आप कर ले रहा है तो काला हो गया अगर सारा का सारा क्या करेगा फेंक देगा तो क्या हो जाएगा उजला मतलब सारा का सारा कलर अगर उधर फेंक देगा तो क्या हो जाएगा उजला हो जाएगा और सारा का सारा ले लेगा ले तो क्या हो जाएगा काला हो जाएगा अगर यहाँ पर क्या है कि लाल दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हो गया कि सात कलर था ना सात गो में सो छो ले लिया है अभी हम गाना गा रहे हैं हम वो गाना मतलब गाना है क्या लग रहा है कि बड़ा गवैया बढ़िया है वो है कि नहीं है? अब पूरा गाली दे रहे हैं माई बहन के लिए है तो क्या आपको बोले कि माया बहन करवा नहीं क्या है आके एकदम क्या हैं एकदम उलूम बुलूम कर रहे हैं मतलब कि हम जो दिखाएंगे वही ना आप देखिएगा हमारे अंदर दस गो प्रॉपर्टी है लेकिन हम जो आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे देखिएगा वही तो बात हो गया कि आ तो रहा है सात गो है इन्हने से जाएगा वही ना आप देखिएगा तो बाबू क्या है? खाली सात गो आया छो ले लिया और बिक दिया तो लाल दिखाई देगा उन्हें साया सौंसे से सौसे ले लिया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है काला हो गया कुछ हो ने मतलब क्या हो गया काला और सब के सब भेज दिया तो सब सब मिलकर क्या हो गया सफेद हो गया कोई दिक्कत आप समझिएगा अभी हो क्या रहा है अभी सूर्य का रोशनी यहाँ पर गिरता होगा टाटका महाद्वीप पर तो यह क्या करता हुआ है महाद्वीप उजला है तो सारा के सारा क्या करेगा लाइट को वापस भेज देगा सुनिएगा क्या होगा अभी क्या करेगा कि जब सूर्य की रोशनी यहां पर क्या होगा गिरेगा तो सारा के सारा के रोशनी क्या करेगा फेंक देगा उधर चला जाएगा जब उधर चला जाएगा तब मतलब कि इसको कुछ को किया नहीं किया लेकिन अब समझिए उजला के जगह अगर किसी और कलर का हो जाए तब का होगा उजला के जगह ये हो गया कौचि लाल बाबू लाल तो इसके पास क्या सात गो कलर बाबू क्या है आया सूर्य घींच के? के तो जी मतलब सूर कुछ की नहीं भीचा? भीचा। सूर तो मतलब सूर्य घिंचा अब सूर्य घिंचा तो मतलब पहले ये ज्यादा पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा पिघलेगा ना तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर अंटार्टिका महाद्वीप का जो रंग है उचला से लाल हो जाए पीला हो जाए हरियर हो जाए कुछ पूछ ले अब क्या प्रभाव पड़ेगा पहले के अपेक्षा समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा कि घटेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि समुद्र क्या बर्फ क्या होगा ज्यादा पिघलेगा पहला क्वेश्चन निकल गया अगला क्वेश्चन अब पूछेगा प्रदूषण के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पर यहां पर क्या है कुछ पदार्थ आ जाता है कुछ पदार्थ आ गया कालाउला होता है बाबू को कोयला वाला जला रहे है, तो काला वाला नहीं निकलता है वो कालिक वगैरह हाँ लग गया कालिक वगैरह हाँ लग गया अब पूछेगा अब क्या असर पड़ेगा समुद्र के जल स्तर पर काला है तो और लेगा ना जी जितना सूर्य रोशनी आएगा सारा का सारा क्या करेगा घिंच लेगा अब मतलब क्या हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप क्या, क्या होगा ज्यादा पहले के पीछा पिघलेगा पिघलेगा तो पानी क्या होगा ज्यादा ठीक है ना तो अंटार्कटिका महाद्वीप से मोटा मोटी यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कोई दिक्कत बाबू अब कुछ ऑप्शन लीजिए देखिए अंटार्टिका महाद्वीप में जानते हैं रिसर्च एक्टिविटी होगा देखिए तो भारत भी अमीर हो गया है इतना तो नहीं हुआ है लेकिन काम भर अमीर हो गया है भारत भी क्या करेगा अपना यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी करेगा खोज वाला काम करेगा और भारत जानते हैं यहाँ पर तीन गो अपना क्या है रिसर्च बाबू संस्थान खोला है तीन गो रिसर्च एसोसिएशन बनाया है मतलब ये खत्म हो गया दोबारा बनाया ये खत्म हो गया दोबारा बनाया इसको ट्रिक है दमभा आप रंभा के नाम से ना जी जैसे आप लोग के में रामभा नाम एक लड़की पढ़ती होगी रामभा तो रामभा का ना कि रामभा पहले हमसे बतिया रही थी अचानक से हम दम रह गए दूसरा जरा ब्याह कर ली भाग करके तो रामभा क्या बोलिए दम्भा दम्भा तो द से हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री क्या बो दक्षिणी गंगोत्री दक्षिणी गंगोत्री है ना अम्मा से हो गया मैत्री अब भा से हो गया भारतीय सुनिए क्या हो गया हमारा में कितना रिसर्च स्टेशन है है तीन गो कोची तो नाम हो गया दक्षिणी गंगोत्री हो गया मैत्री और भस्त हो गया भारतीय आंटार्टिका में भारत का पहला रिसर्च जो स्टेशन खोला गया था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री फिर मैत्री वर्तमान में क्या है भारतीय वर्तमान में क्या है भारतीय कोई यहां तक दिक्कत नहीं है ना फिलहाल के लिए टाटका से इतना और बारे में बताएंगे चलिए हक नहीं ना है कितना टाइम हो गया ना अभी तो बहुत समय है अभी तो समय नहीं हुआ है गर्मी लग रहा है गर्मी लग रहा है सुनिए बता रहे हैं

एशिया की बात की एशिया समझ में आ गया भारत कौन महाद्वीप में बाबू एशिया में देखिए आते हैं दूसरा क्या अफ्रीका अफ्रीका को जानते हैं बोलते हैं क्या यहां से मानव जीवन का हुआ था शुरुआत सबसे पहला मानव कहां आया अफ्रीका में लेकिन मानव ने कोई सभ्यता का विकास नहीं किया कोई भी सभ्यता का विकास नहीं किया सभ्यता का विकास कहां हुआ एशिया से ना तो सुनिए पूछेगा कि मानव जीवन का जननी या मानव जीवन का पलना किसे कहते हैं अफ्रीका को लेकिन मानव सभ्यता का शुरुआत कहां से हुआ एशिया से मानव जीवन का शुरुआत हुआ अफ्रीका से या दुनिया का पहला मानव कहाँ आया अफ्रीका में लेकिन पूछेगा सभ्यता का शुरुआत मानव सभ्यता का शुरुआत कहां तो से हुआ अफ्रीका से अब सुनिएगा ये जो अफ्रीका दिखाई दे रहा दिखा दिखा ना अफ्रीका के पास क्या है प्राकृतिक संसाधन बहुत है भगवान का देवा सब कुछ है है सब कुछ है ना लेकिन इसके पास क्या बाबू सब चीज रहते हुए भी क्या है गरीब है आप सुनिएगा इसके पास सब कुछ है लेकिन सब दृश्य से पिछड़ गया है सब कुछ है. लेकिन सारा दृश्य से पिछड़ा हुआ है सारा दृश्य ना न यहाँ अच्छा एजुकेशन है ना अच्छा यहाँ पर शिक्षा है मतलब वही एजुकेशन है ना अच्छा यहाँ टेक्नोलॉजी है कुछ यहाँ है न गरीबी की समय में भी क्या है भी भी आपको जी रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं अंधा महादेव क्या बोलते हैं अंध इसको बोलते हैं अंध महाद्वीप या बोलते हैं काला महाद्वीप देखिए अंध और काला का अंध बोलते हैं क्यों क्योंकि सब दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और काला भी उसी कारण से बोलते हैं कि इसके पास पास लाइट लाइट है भी नहीं नहीं अभी तक पहुंचा और दूसरी बात क्या है कि यहाँ के आदमी एकदम कुचुर कुचुर रहता है वो भी कारण है अंध महाद्वीप का कारण क्या है कि सारा दृष्टि से पिछड़ा हुआ है शिक्षा हो गया या जो भी सभ्यता की बात करते हैं सारा दृष्टि से क्या आपका पिछड़ा हुआ लेकिन आप समझिएगा ये है अंध महाद्वीप ये काला महाद्वीप लेकिन साथ ही क्या है कि यहाँ भविष्य में विकास की बहुत ज्यादा संभावना है कैसे तो बोलते हैं भविष्य का महाद्वीप क्या बोलते हैं एक तो अंध महाद्वीप बोलेंगे काला महाद्वीप क्योंकि सारा दृष्टि से क्या है पिछड़ा हुआ है लेकिन चूंकि यहाँ विकास की बहुत ज्यादा संभावना है तो इसको भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है और दूसरी बात दूसरे महाद्वीप की अपेक्षा यह थोड़ा ऊंचा पर है समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ना तो डूबेगा बहुत ही देर से ठीक है ना तो मतलब कि जहां यहाँ पटना अगर डूब गया तो यहाँ पर एकाध कर जमीन की व्यवस्था कर लीजिए है ना आइए तो सुनिए हम अगर अमेरिका की बात करते हैं अमेरिका यहाँ पर क्या सब जगह रोड सड़क पुलिया सब बनल है इसके अपेक्षा भारत में विकास की ज्यादा संभावना है कि नहीं है अच्छा भारत के अपेक्षा अफ्रीका में ज्यादा विकास की संभावना है कि नहीं है है ना इसीलिए बोलते हैं कि भविष्य का क्या है महाद्वीप है और अगला जानते हैं सब यहीं पर कब्जा करने का होड़ मचा हुआ है हालांकि पहले भी इसको कब्जा कर ले था आप इसके मैप को ध्यान से देखिएगा ना आपको एकदम सीधा ऐसे ऐसे दे, दिखाई देगा एकदम ऐसे नहीं एकदम ऐसे ऐसा ऐसी जानते क्या हुआ ये देखिए ये है छोटे चुके लेकिन इतने चूके मिल करके पूरा दुनिया पर कब्जा कर लिया है समझिए ये तो बात ही न हो गया एक चीटी निकला है ना चिटी क्या किया दस पंद्रह को मिलकर पूरा हाथी पर कब्जा कर लिया पर नहीं पूरा दुनिया के हाथी पर कब्जा कर लिया है ये सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन दिमाग का इस्तेमाल किया मतलब ये हो गया कि तागत से कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर ताकत से कुछ भी किया जा सकता था तो आदमी दुनिया पर राज नहीं करता दुनिया पर आदमी राज कर रहा है ना क्योंकि आदमी के पास क्या है दिमाग है ज्यादा दिमाग सबके पास है बिल्ली के पास तो दिमाग होता है नहीं होता जी जब जाइएगा तो भाग जाता है आप देखिए छोटा बच्चा रहता है रोज क्या करेगा अगर बेड पर लेटरिन कर देगा भाग जाता है

पूरा क्या दुनिया आपको लूट के विकास किया है देखिए कि भारत में जब लोग आया था ना यहाँ पर एशिया में आया था ना यहाँ के लोग थोड़ा सा मछली उछली तो मारे हो गांव में क्या होता है कि भाई ऐसे पानी वाला कोई एरिया है वहां जौर लिया और जो पकड़ लिया उसी का मछली हो गया ऐसे यहाँ से रोप से आदमी आता था दस पंद्रह बंदूक लेकर दस पंद्रह लाठी लेकर के नाव लेकर के अच्छा यहां आदमी को पकड़ लिया दौड़ गया पकड़ 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 के पकर लिया पकर लिया तो उसका हो गया जोन पकड़ लिया उसका हो गया गया अब आदमी को क्या करता था फिर यहां पर ले जहां खेती जबरदस्ती करवाता था इसको बोलते हैं दास व्यापार क्या बोलते हैं दास व्यापार खिड़का के आदमी को पकड़ पकड़ के पूरा दुनिया में बाबू बेचता था तो जो अभी यूरोप हमको नैतिकता की बात पढ़ाता है ना उसको बोले कि पहले अपने गिरमान में आप झांक लीजिए कि आप दुनिया के साथ का किए चाइना इतना एग्रेसिव रहता है क्यों रहता है क्योंकि चाइना के साथ जानते हैं बड़ी आपको उसके साथ जायती किया गया है सुने ना वो अपना तो बदला लेवे करेगा यही चीज सिखा है चाइना कि अगर आपके पास ताकत है ना पूरा दुनिया को रोन दो कूड़ा यही काम किया है इंग्लैंड के पास ताकत था तो पूरा दुनिया को रोन दिया एक भारतीय ऐसा देश है जिसके पास ताकत है दुनिया को नहीं रोंदा जब सिकंदर के पास ताकत आया का किया कि यहाँ से निकला यहाँ पर वो थे यहाँ से निकला अब पूरा दुनिया पर कब्जा करने आ गया लेकिन भारत में हार गया फिर भी सो सिकंदर महान बोलते हैं

इतिहास हमेशा विजेता के नजर से लिखा जाता है हमेशा विजेता के नजर से जैसे एग्जाम्पल लिए कहा कि अभी मोदी जी शासन में है ठीक है ना तो अगर मान लेते कि सौ साल बाद अगर यहाँ के भारत के इतिहास को जानना चाहेगा तो यहाँ क्या देखेगा टीवी अगर टीवी अच्छा होता है तो टीवी में देखा देगा हर हर मोदी चल रहा है कहीं तो ना समझेगा कि मोदी सबसे महान नेता होंगे मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ किए होंगे हाँ रियल में कर भी रहे हैं रियल में कर भी रहे हैं लेकिन महानता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है किसी का भी ताकि लोग का उसके प्रति अच्छा भावना बढ़े ना लिखा जाता है शलना क्यों? ताकि लगे नहीं यह दिखाता है कि मोदी जी क्या है कि जानवर भी उनसे प्यार करता है आप कौन होते हैं जब जानवर प्यार करता है आप कहे नहीं करते हैं आपको भी करना चाहिए भले आपको नौकरी मिले चाहना मोदी जी को प्यार करना आपको है यहाँ पर आप सुनिएगा अफ्रीका आप देखिये ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है लेकिन देश की संख्या पूछेगा तो सबसे ज्यादा देश हाँ है सुनिए अफ्रीका एशिया क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप है जैसे समझिएगा हमारे यहाँ क्या पचास बीघा जमीन है हमारे यहाँ और हमारा हमारे बेटा मान लेते है पांच गो है तो दस दस बीघा पड़ेगा मतलब हमारे यहाँ पांचे गो है लेकिन यहाँ क्या है बीस तो यहाँ पर क्या पचास चालीस बीघा जमीन है लेकिन हेकर बेटा कितना है बाबू बीस गो कितना बीस गो नहीं समझे जैसे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बाबू जो महाद्वीप है ना इसमें देश की संख्या क्या है कम है इसमें बाबू क्या है कि दूसरा स्थान पर एरिया में है लेकिन यहाँ देश संख्या क्या है अधिक है पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है एशिया है पूछेगा कि दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है अफ्रीका ये महाद्वीप एरिया में दूसरा स्थान पर पूछेगा कि सबसे अधिक देश की संख्या कहाँ है सबसे अधिक देश आपको? काम है आपको अफ्रीका में यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई या ये या ये देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है सबसे छोटा है सबसे क्या है छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है सबसे छोटा महाद्वीप है सबसे छोटा आपको है ठीक है ना था। था अच्छा इसमें क्या है ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं किनारे किनारे जो एरिया है यहां रहने लायक जमीन है लेकिन बाकी बीच में क्या रेगिस्तान है क्या है रेगिस्तान जब रेगिस्तान है

मैरीनो नामक भेड़ भी है अब मैरीनो भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सबसे ऊंच क्वालिटी का ऊन देखिए एक होता है हमारे यहाँ पश्चिमी मा क्या करके होता है बकरी क्या है बकरी तो ये बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है और एक क्या है भेड़ तो मैरीनो भेड़ से मैरीनो ऊन प्राप्त होता है जो कि सबसे ऊंच क्वालिटी का होता है और ऊन का उत्पादन अन्यत में सबसे आगे कौन है ऑस्ट्रेलिया है इससे बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस बोलते हैं समझ में गया अगला क्या बोलते हैं कंगारुओं का देश क्या बोलते हैं कंगारू क्योंकि यहां पर कंगारू पाया जाता है क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया में मारसू पिलियस क्या वो मारसू पिलियस प्रकार के जानवर पाया जाता है मारसू पिलियस प्रकार का जानवर क्या होता है कि जो बच्चा देता है ना बच्चा होता है जो जन्म लेता है तो पूरा विकसित अवस्था में नहीं होता है तो उसके यहाँ पर क्या होता है थैला होता है उस थैला में क्या करता है अपना बच्चा को रख लेता है ठीक है ना ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपको अंगारू अंगारू जब बचाता है तो बच्चा तो देता है लेकिन पूरा विकसित अवस्था में नहीं होता इसलिए होता कि समान तौर पर क्या होता है कि जो बच्चा हमारे यहाँ होता है वो बच्चा समय से अगर पहले जन्म ले लेता है उसको शीशा में रखा जाता है

सबसे छोटा अब अगला दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप दूसरा बड़ा में तो छठा स्थान पर है छोटा में दूसरा हो जाएगा तो दूसरा सबसे छोटा क्या हो जाए सबसे विकसित कौन है सबसे अल्प विकसित अफ्रीका भारत जैसा विकास भारत जैसा देश होता है ये विकासशील देश की श्रेणी में आता है आई आता अल्प विकसित मतलब बिल्कुल विकास से क्या है अभी दूर है इसको बोलते हैं महादीप क्या बोलते हैं अन्य महाद्वीप बोलते हैं काला महाद्वीप भविष्य का महाद्वीप बोलते हैं इसको बोलते हैं मानव जीवन का जन्य और मानव सभ्यता के जन्य एशिया कहते हैं एशिया को कहते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं बाबू ठीक है ना अब देखिए एक और चीज देखिएगा यही पर समझा देते हैं देखिए दोस्त ये क्या है आपका जीरो डिग्री अक्षांश मतलब ऊपर में हो गया उत्तरी गोलार्ध नीचे में हो गया दक्षिण अब ध्यान से देखिए दक्षिणी गोलार्द में आपको ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये सब बाबू क्या पानी सब क्या है पानी है कौन सा गोलार्ध को जलीय गोलार्थ बोलेंगे दक्षिणी गोलार्द को क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है अच्छा कौन सा गोलार्थ को बोलते हैं भूमियो गोलार्द दीपियो गोलार्द यहाँ पर जमीन क्या है ज्यादा इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्द को अस्थलीय गोलार्थ अस्थलीय मतलब जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं जलीय हैं अब एक और समझिएगा देखिए उत्तर में जितना देश है ना ये मैक्सिमम क्या है विकास के पैमाना पर ज्यादा ऊपर है आज जो जीरो डिग्री के नीचे है क्या है आपको ज्यादा नीचे ग्लोबल साउथ ग्लोबल ग्लोबल इसी को बोलते जानते पूछिए साउथ साउथ कोऑपरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन देखिए साउथ के जो देश है दक्षिण के जो देश है वो समान तौर पर काम विकसित है काम है विकसित है या विकासशील अवस्था में तो सब मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है मिल करके अपना आवाज को रखता है जैसे आप गरीब है अकेले बोलिएगा कोई नहीं सुनेगा जैसे अग्नि भी योजना आया अकेले बोलिए नहीं कोई सुना सब मिलकर बोलिएगा तो सुनेगा तो इसी पर क्या है कि साउथ साउथ कोपरेशन या ग्लोबल साउथ मिल गया है अपना पार्टनरशिप करके अपनी बात को रखता है ग्लोबल साउथ में कैसा दे सकता है विकसित विकासशील अरे विकासशील और अल्प विकसित दोनों आ जाएगा तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ग्लोबल साउथ होता है या साउथ साउथ जो कॉपरेशन होता है इसमें किस तरह के देश शामिल है विकसित है या आपको विकासशील है यहाँ पर हो जाएगा विकासशील और उत्तरी गोलाद वाला जो देश है ये मैक्सिमम क्या आपको विकसित है ठीक ना? है ना देखिये जो यूरोप है ये जो अमेरिका है ये भला ई पूरा क्या विकास है सुनिएगा ये बला इन ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया भी क्या है आपको विकसित अवस्था में है और यहाँ पर क्या है जापान है बोले जापान यहाँ पर क्या दक्षिण कोरिया सुनिए क्या बता रहे हैं यह जो यूरोप हो गया यूरोप को बोलते हैं विकसित विकसित देश देश क्या बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है मतलब यहां अच्छा खासा विकास हो चुका है जीवन स्तर बहुत ही बेहतर है और एक हो गया आपको अमेरिका अमेरिका में समझना है क्या है कि ऊपर हो गया कनाडा और नीचे हो गया कौची जैसे हम अमेरिका का मतलब समझते हैं कौची संयुक्त राज्य अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका में तीन गो देश होगा ये है कनाडा उत... संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको मैक्सिको जो देश है यह विकास ज्यादा नहीं किया है तो यहाँ बाबू क्या बोले कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यह विकसित देश है लेकिन मैक्सिको को हम विकसित देश नहीं मानेंगे फिर क्या बोले कि जो दक्षिण अमेरिका का जितना देश है यह क्या है विकसित तो नहीं है क्या है आपको विकासशील है ये भी विकसित नहीं है और फिर क्या बोले अफ्रीका तो पूरा दम गेल गुजरल है मनी बेचारा दम क्या है साफ है है ना हाँ भाई यहाँ बी बाईस की बात करते सब देश की बात करते हैं ये सब क्या है कि विकास की ओर अग्रसर है सब क्या है विकासशील है एशिया के मैक्सिमम देश क्या है विकासशील देश की श्रेणी में आता है और यह जो बता रहे हैं ये जापान है जापान है यहाँ दक्षिण कोरिया है यह विकसित देश की श्रेणी में आता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया और न्यूजीलैंड आ गया यह भी आता है विकसित देश की श्रेणी में तो ऐसा कीजिए कि आप विकसित देश को देख आप देख लीजिए आप विकासशील अपने आप याद रहेगा बोलिए क्या बोले यूरोप क्या है विकसित यहाँ पर कनाडा अमेरिका और यहाँ पर क्या बोले ऑस्ट्रेलिया विकसित है न्यूजीलैंड विकसित और यहाँ पर बाबू जापान विकसित और बाबू यहाँ पर दक्षिण कोरिया विकसित है और बाकी सब क्या हो गया आपको विकासशील हो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब क्या करते हैं देखिये यहाँ से हम शुरुआत कहाँ से करेंगे सबसे पहले देखिए जब भी आपको एटलस देखना हो ना भारत कहाँ ई पता होना चाहिए दिखाई दे दिखा रहा ना ये क्या है भारत है ठीक है ना कोई भी लोकेशन हमको मैप में देखना है तो पहले भारत को देखेंगे अब भारत से क्या करेंगे तुलना करेंगे ये हमारा हो गया प्यारा भारत अब भारत अब के अगल बगल देखना कौन करने है तो ए क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे कहां से करेंगे ऑस्ट्रेलिया से तो जानते हैं क्या है अगर हम एशिया से शुरू करेंगे तो एशिया में बहुत मानी पढ़ना है पहले खत्म ही नहीं हो रहा खत्म ही नहीं हो रहा कि बाप रे इतना चलेगा आज छोटकर में शुरू करेंगे ना तो जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन कहना भाई इतना हो गया पढ़ाई की है कि नहीं देखिए अपना दिमाग को बेवकूफ बनाना भी जरूरी है नहीं तो जानते हैं एकर चक्कर में रहेगा तो भाई बता दीजिएगा तो मतलब क्या है कि पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आइए रहने सुनिए हमारा तो विचार है ना सुन लीजिए कम से कम ऑस्ट्रेलिया खत्म कर लिया जाए सुन लीजिए देखिए दरोगा बनना है ना नहीं बनना है ज्यादा हो गया सुनिए बता रहे हैं। अब हमको सुन लीजिए देखिए बता रहे हैं। पसीना आए पानी गिरे या तबीयत खराब हो सुन लीजिए अगर दरोगा बनना है एग्जाम निकालना है आपको सब सहना पड़ेगा अगर इतना ही आसानी से बाबू अगर हो जाता दरोगा बन जाते पूरा पटना दरोगा बन जाता कंफर्म क्या बोल रहे दोस्त? तो अगर आपको लगता है कि बीमार बता रहे हैं। आपके अनुसार हम देखिए एक घंटा डेढ़ घंटा क्लास लेके चलेंगे आप जानते हैं, छह महीना के बाद आगे खुद बोलिए मार्क्स साहब कहे थे कि, कि छह महीना में कोर्स खत्म किए आप नहीं खत्म किए देखिए तो सिंपल सी बात है आपको तीन घंटा साढ़े तीन घंटा कष्ट करना ही पड़ेगा अगर हम हरेक का समस्या समझ लें कि नहीं आपको गर्मी लग रहा है ठंडा लग रहा तो नहीं हो पाएगा हम सबकी समझ रहे हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो हम बंद कर देते हैं जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छोड़ दिया जाए सुन लीजिए देखिए आपका जो समस्या ना दस दिन और हमको समय दीजिए आपका गर्मी की समस्या है ना यही ना समस्या है और कोई समस्या ना ना है दस दिन का लीजिए ये बाबू जब हो जाएगा ना तो हम देख लेंगे कि उधर से हवा आ रहा है कि नहीं अगर नहीं आएगा तो हम ए सी लगवा देंगे मतलब लेकर जब बोल रहा है है ना आइए यहां पर आइए सुनिए सुनिए अब हो गया सुनिए यहां पर देखिए दोस्त ऑस्ट्रेलिया समाप्त कर लेने दीजिए हो जाएगा एक क्या है ऑस्ट्रेलिया जो अभी दिखा रहे थे क्या है आपको ऑस्ट्रेलिया उसी को बड़ा कर दिया गया है आप ध्यान से देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो किनारे किनारे वाला एरिया है सब रहने वाला है पहले इस बाबू राज दिया गया कौन कौन करने हमको उतना काम का नहीं है है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यह है, है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या राज को ध्यान रखना ये क्या है क्विंसलैंड क्या नाम है क्विंसलैंड हिंदी में लिखते हैं क्विंसलैंड है क्या है क्विंसलैंड है ये आपको याद रखना है यह है क्विंसलैंड राज है और यहाँ न्यू साउथ वेल्स क्या है न्यू साउथ वेल्स और ये हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया और ये हो गया सदन हो गया और उत्तर हो गया दक्षिण हो गया पश्चिम हो गया अब पूरा में दो हो गया वो हो गया न्यू साउथ वेल्स हो गया अब ध्यान से देखिएगा ना जैसे तो किनारे किनारे वाला स्थान है शहर यहाँ देखिए ये है ब्रिस्बेन क्या हो गया ब्रिस्बेन हो गया ये हो गया सिडनी हो गया ये हो गया कैनबरा हो गया ये हो गया बाबू क्या मेलबर्न हो गया ये हो गया एडिलेड हो गया और ये क्या हो गया पर्थ हो गया आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे इस सब लोकेशन के बारे में आप जानते होंगे ठीक ना क्या बोले पहले बोले बहुत सिडनी हो गया, गया कैनबरा हो गया मेलबर्न हो गया एडिलेड हो गया पर्थ हो गया इसमें याद क्या करना है देखिए यहाँ क्या, क्या क्या याद करना है एक याद करना है, है वो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है कैनबरा है अब देखे ना सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और बंदरगाह का भी काम करता है लेकिन यहाँ की राजधानी नहीं है देश के बारे में आपको राजधानी ही पता होना चाहिए कौन देश की राजधानी कहाँ है तो यहाँ कहाँ है है अच्छा एक बाबू क्या है गोल्ड कोस्ट क्या है गोल्ड कोस्ट और गोल्ड कोस्ट में क्या होता है खेल वगैरह होते रहता है कॉमनवेल्थ गेम वगैरह देखिए तो एक है गोल्ड कोस्ट अफ्रीका में घाना के तट को बोलते हैं गोल्ड कोस्ट तो क्योंकि वहां से गोल्ड सोना का एक्सपोर्ट होता था सोना का वहां से पूरा अफ्रीका सोना चुरा चुरा के सब पूरा यूरोप वाला देश लेकर के आता था और वहां सोना लेकर के यूरोप लेकर के जाता था तो उसको बोल दिए गोल्ड कोस्ट तो गोल्ड कोस्ट क्या एक तट है और यहाँ गोल्ड कोस्ट का यहाँ जगह है क्या है शहर का नाम है गोल्ड कोस्ट कितना है दो गो है एक वो है घाना अफ्रीका में एक कहा हुआ आपको ऑस्ट्रेलिया में समझ में आ गया देखिए ये जब पिक्चर समझ में आ गया यहाँ देखिए एक क्या है तस्मानिया क्या है तस्मानिया तस्मानिया है इसी का क्या हिस्सा है किसका ऑस्ट्रेलिया का है हिस्सा है ठीक है ना और यहाँ पर अब क्या है एक देखिए क्या होता ना कि बाबू एक एक जमीन इधर है एक जमीन इधर है और इधर पानी इधर भी पानी और यहाँ पर क्या है कि जाने का पतला रास्ता है इसी को बोलते हैं जल संधि क्या बोलते हैं जल संधि तो जल संधि के माध्यम से चाहे तो दो जमीन जुड़ेगा चाहे जल संधि के माध्यम से दो जल राष्ट्र जुड़ेगा तो यहां के जल संधि का नाम क्या है बास क्या वो? बास बास क्या वो जल संधि से कौन कौन जुड़ता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया अच्छा ऑस्ट्रेलिया के बगल में इधर और चलिएगा तो क्वेश्चन है न्यूजीलैंड क्या आपको न्यूजीलैंड चलिए अब ऑस्ट्रेलिया कुछ और पिक्चर देखते हैं बाबू यहां पर आइए

कहा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति क्या होता है जब इन्वर्नर पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा, पढ़ाएंगे प्रवाल भित्ति क्या होता है और कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कोरल रिप क्या होता है और कोरल ब्लीचिंग क्या होता है पहला जानिए क्या होता है कि आपका यहाँ पर क्या है ग्रेट बैरियर रिप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ती है अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के कौन सा हिस्सा में कौन सा हिस्सा में ग्रेट बैरियर रिप है कौन सा में अगर बाबू क्या है कि उत्तर पूर्व रहेगा तो सबसे अच्छा आंसर क्या होगा उत्तर पूर्व हो जाएगा वो ना उत्तर पूर्व लेकिन अगर उत्तर पूर्व ना रहेगा तो पूर्वी हिंसा बनाइएगा अच्छा तो याद कीजिए जी ना कि यहाँ पर फ्यूसलैंड नामक राज्य है क्या है फ्यूसलैंड नामक राज्य है पूछेगा कि जो बृहद प्रवाल भित्ती है ग्रेट बैरियर रिफ है आपको कौन सा राज्य के उत्तर पूर्व हिंसा पूर्वी हिंसा में है राज के पूर्वी हिस्सा में है ये हो गया अब आबू यह क्या यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, है।, है क्या पर्वत श्रृंखला है कहाँ की पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया का अगला क्वेश्चन पूछेगा की ऑस्ट्रेलिया के कौन सा हिस्सा में है पूर्वी हिस्सा में मतलब दो चीज हम देख लिए एक ग्रेट बैरियर रिफ देख कहां पर है और एक देखिए क्या आपको ग्रेट डिभाजिंग रेंज देख लिया

दक्षिण पूर्व ना तो अगर ऑप्शन में रहेगा पूर्वी रहे तो पूर्वी बनाए अब और पूर्वी नहीं रहेगा तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा में रहेगा क्लियर हो गया अब आइए दोस्तों देखिये यहाँ पर हम डार्लिंग बाबू नदी बोले हैं आई यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ हमारे यहाँ बीपीएससी होता है ना क्यों तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ वहां पर पूछ ले कि डार्लिंग पर्वत श्रृंखला डार्लिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के कौन हिस्सा में है तो सब बना दिया है नहीं कि डार्लिंग नहीं ये डार्लिंग नदी है ये डार्लिंग पर्वत सीखला है तो डार्लिंग नदी आपका ये हिस्सा पूर्वी हिस्सा में है पश्चिमी हिस्सा में कौन हो गया आपको डार्लिंग पर्वत सीखला हो गया डार्लिंग पर्वत सीखला हो गया सुनिएगा ऑस्ट्रेलिया में कई सारा क्या है रेगिस्तान है कई सरह क्या आपको रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में क्या है यहाँ पर ग्रेट सैंडी ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया और क्या हो गया सिमसन क्या हो गया सिमसन कम से कम याद कीजिए कुछ कुछ एक बाबू क्या ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट विक्टोरियामसर बिहार सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था दो हजार चौदह में जो वैकेंसी आया था उसका सोलह में हुआ था मेंस वो मेंस एग्जाम हम लोग दिए थे उस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है आप सुनिएगा एक होता है ग्रेट लेक क्या होता है ग्रेट लेक ग्रेट लेक में पांच गो लेक आता है लेक मतलब होता है झील होता है ग्रेट लेक में पांच गो झील आता है आपने सुपीरियर झील का नाम सुना होगा तो यह सब पड़ता है कहा अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ग्रेट ले कहा पड़ता है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर और यहाँ क्या बोले कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है आपको यहाँ पर है कोची कोची मरुस्थल यहां हो गया बाबू ग्रेट सैंडी आप ग्रेट छोड़े सैंडी याद कीजिए सैंडी हो गया विक्टोरिया हो गया और क्या हो गया सिम्सन हो गया क्या हो गया सिम्सन हो गया ठीक है अब देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना यहाँ पर क्या है कि एरिया में ये कहा है पूरा वह क्या रेगिस्तान है लेकिन जहां तहां क्या है कि आपको कुआं खोदा गया क्या वो कुआं अंदर से खोदा गया और वहां से पानी क्या होता है निकलता अंदर से पानी निकलता है उसको बोलते हैं ग्रेट आर्टिजियन वेल क्या बोलते हैं ग्रेट आर्टिजियन वेल आर्टिजियन वेल बोलते हैं पूछेगा ग्रेट आर्टिजियन वेल जो होता है ये कहां पर जाता है इसी उत्सृत उत्स्रित कुआं बोलते उत्सृत कुआं बोलते हैं ये कहां पर जाता है बाबू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो अभी तक हम क्या क्या देख लिएगा फिर से आते हैं पहले तो देखिए ग्रेट बाबू बैरियर रिफ देख लिए ऑस्ट्रेलिया कौन हिस्सा में है फिर ग्रेट डिबाइजिंग देख लिए फिर मरे डार्लिंग देख लिए फिर क्या देख लिया बाबू आपको हाँ डार्लिंग पर्वत श्रृंखला देख लिए फिर बाबू यहाँ ग्रेट सैंडी देखे ग्रेट विक्टोरिया देखे और सिमसन देख लिए समझ में गया देखिए ऑस्ट्रेलिया जानते हैं यहाँ पर क्या होता है आपको यूरेनियम क्या बाहू यूरेनियम 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 के लिए क्या है ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है किसके लिए यूरेनियम के लिए आप सुनेगा का यूरेनियम के लिए आपने सुना होगा कजाकिस्तान का नाम सुना हाँ है कजाकिस्तान का नाम सुना होगा आपने ना बिबिया ना बिबिया का नाम सुना होगा कनाडा का नाम सुना होगा आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन रहे हैं इस सब देश क्या है यूरेनियम रिच कंट्री है सब ज्यादा कहाँ होता है आपको कजाकिस्तान में यूरेनियम होता है कजाकिस्तान की बात करते हैं नबीबिया की बात करते हैं की बात करते तो नबीबिया नबीबिया में यही नबीबिया से हमारे यहाँ चिताया है, है। तो मोदी जी बोले थे कि पहले लोग कबूतर छोड़ता था आज हम चीता छोड़ते हैं सुने थे ना कबूतर मतलब क्या होता है महात्मा गांधी जानते हैं अपने आप को शांति का दूत महात्मा गांधी बोले जी नेहरू जी अपने आप को शांति का दूत साबित करना चाहते थे अब तो समझिए दिक्कत क्या है तो गरीब आदमी शांति की बात करता तो अच्छा नहीं लगता है अमीर आदमी जानते हैं शांति की बात करें ना पूरा पैसा कमा लिए लिये तब बोल रहे ना कि पैसा सब माया मया है सब अच्छा लगता है बगले में रुपया ना है ना अब बोल रहे हैं पैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है तब दिक्कत वाली बात है पहले पैसा पूरा कमा लीजिए और बाद पूरा एकदम सो लीजिए पर पता पैसा बहुत चीज है कि नहीं है यहाँ पर आते हैं आप सुनिएगा इसके अलावा क्या है कुछ खान है अपने काल गुरली और कुल गार्डी का नाम सुना हो क्या वो काल गुरली काल गुरली और क्या हो गया काल गुडी काल गुडी है यहाँ प्रमुख है? खान है प्रमुख क्या खान है जहां क्या होता है सोना उना क्या होता है उत्पादन होता है ठीक है ना एक जानते हैं कमाता कमाता क्या बोले कमाता खान है कमाता खान वो आपको दक्षिण अमेरिका बताएंगे ना तो चिल्ली बताएंगे वो सब देश तो वहां दक्षिण अमेरिका में क्या करेंगे उसको बताएंगे समझ मितना यार छोड़ दिया जाए देख रहे हैं लेकिन के मन नहीं है ना हाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी राज है जैसे हमारे यहाँ राज है ना तो ऑस्ट्रेलिया में भी राज है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विश्व बोलते ऑस्ट्रेलिया में अलग देश नहीं है जैसे नहीं होता कि एशिया में कई सारा देश है ऑस्ट्रेलिया तो में कई सारा देश नहीं है ऑस्ट्रेलिया क्या खुद एक देश है खुद क्या है महादेश है और उसके बाद जैसे यूरोप जानते हैं ना यूरोप जितना बड़ा है ना उतना बड़ा हमारा कई सारा क्या है राज है कई सारा क्या है राज है यूरोप में अलग अलग देश हो गया लेकिन हमारे यहाँ वो राज बन गया है यहाँ पर बोलते हैं अलग अलग देश नहीं है ये क्या है राज है इसी के बगल में यहाँ पर क्या आपका हाँ? न्यूजीलैंड है ना तो ठीक है आज छोड़ते हैं कल आइए ठीक है धन्यवाद निकलिए कल मिल जाएगा कल मिलेगा शाम के टेस्ट होगा आज पॉलिटी का तो तो

आपका फाइल सेक्शन का एक नोट्स बना हुआ होगा वो नोट्स में डाल दिया जाएगा अच्छा तो भूगोल का जब खोलिएगा ना तो वहीं पर क्या रहेगा आपका पहले सबसे ऊपर नोट्स रहेगा तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा आप फोटो करवा लीजिएगा ठीक है धन्यवाद हाँ डेमो खत्म हो गया हो अब सालो डेमो ही चलेगा हो